हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एनएस क्लासेस माय नेम इज नीतू आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा डे फाइव ठीक है डे फाइव स्टार्ट करेंगे आप सभी को पता है कि मैराथन कोर्सेज मैराथन कोर्स हमारा चल रहा है जिसके अंदर हम सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन कर रहे हैं चार दिन डे वन डे टू डे थ्री डे फोर ये चार दिन आपके हो चुके हैं और इनके अंदर हमने छ सब्जेक्ट कवर किए हैं फटाफट बता देती हूँ कौन से दिन के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट है अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जो है उसकी क्विक रिवीजन कर लो और साथ में क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं ठीक है तो डे वन में हमने किया था भाई आपका एच के साथ सी दो सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं डे वन के अंदर डे टू में हमने किया है आपका एग्जाम एंड जावा स्क्रिप्ट ठीक है उसके बाद डे थ्री में हमने किया है ऑपरेटिंग सिस्टम डे फोर के अंदर हमने किया है डेटा स्ट्रक्चर ठीक है तो आज का डे फाइव के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा का पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर आज, आज के वीडियो में देखेंगे पूरी की पूरी क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं अगर आपने थर्टी डेज क्रैश कोर्स में कंप्यूटर आर्किटेक्चर किया है तो यहाँ पर जो है दो घंटे के अंदर फटाफट रिवाइज कर लो ताकि अगर आपको कुछ पॉइंट रह गया है या कुछ वो रह गया है तो आपको फटाफट समझ आ जाए कि, कि ये चीजें होती हैं क्योंकि तो इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि एग्जाम के अंदर आप जो है अच्छा स, स, जो है अच्छे मार्क्स ले सको ठीक है तो डे फाइव स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपके पांच दिन और बच जाएंगे और पांच जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं लाइक like आपका डिजिटल हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया डीबीएमएस और एसक्यूएल हो गया उसके बाद जो है आपका यूनिक्स और लाइनिक्स और एक दिन जो है आपका एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड इसके बारे में एमएस ऑफिस हम पूरा डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो ये हम जो है नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं ओके okay, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है एक तरीके से Uh, आपका जो कंप्यूटर है उसका डिज़ाइन तैयार करना जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ रियल लाइफ का जिससे आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं ठीक है तो बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाए करो तो हम ट्राई करेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊँ क्योंकि स्पीड कब तेज़ हो जाती है मुझे खुद नहीं पता चलता ठीक है तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है तो रियल लाइफ एक्जाम्पल लेती हूँ जैसे सपोज जो है आप एक घर बनवा रहे हो ठीक है आप एक घर बनवा रहे हो तो जब आप घर बनवाओगे तो भाई जैसे आपने क्योंकि आजकल सब सबका जो है लिमिटेड एरिया होता है लिमिटेड स्पेस होता है पहले हो, जैसा नहीं है कि लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे अब जो है हर एक के पास छोटे छोटे घर हैं अब उसमें वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो मेन uh, जो बेडरूम होता है वो बाथरूम के साथ अटैच हो जैसे यहाँ से एक रूम गया यहाँ से एक रूम गया और ये सारे रूम जो है इस तरीके से जो होल है बीच में इससे कनेक्टेड हो ठीक है यहाँ पर भी इसके साथ अटैच बाथरूम हो जो आपका किचन है वो इतने बाई इतने एरिया का हो उसके बाहर जो है वो थोड़ा सा स्पेस हो इस तरीके से जो है आप घर डिज़ाइन करवाते हो ठीक है जब आप घर डिजाइन करवाओगे तो आपको आप ये आप जो जब बनवाओगे तो आप बताओगे ना कि भाई जैसे मेरा जो मेरे जितने भी कमरे बनेंगे दो बनेंगे तीन बनेंगे वो सारा का सारा जो उनका जो अटैचमेंट है वो किसके साथ होना चाहिए किसके साथ होना चाहिए हॉल के साथ ठीक है किचन जो है आपकी इस तरीके से इस एरिया में होनी चाहिए फिर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कम्प्यूटर uh, सिस्टम के अगर मैं डायग्राम की बात करूँ देखो चार चीज़ें मेन होती है आप सभी को पता है सबसे पहले हम इनपुट देते हैं इनको In इनपुट के बाद आप क्या करते हो इनपुट In के बाद आप प्रोसेस करते हो प्रोसेस के बाद जो है आपका आपको क्या मिलती है आउटपुट और इसके एक और क्या होता है आपका स्टोरेज जहां पर आपको डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है ये चार मेन स्टेप होते हैं इन चार मेन स्टेप से आपको होकर गुजरना पड़ता है अब जो है मेमोरी का कंसेप्ट आ जाता है रजिस्टर आ जाता है कैश मेमोरी आ जाती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में किस तरीके से इंटरफेस करवाना है से उनके साथ कैसे अटैच हो रहा है तो कैसे डेटा को ट्रांसफर करें क्योंकि इनपुट आप दोगे डेटा ट्रांसफर ही तो हुआ फिर इनपुट से आप प्रोसेस को दोगे प्रोसेस से फिर आउटपुट के पास जाएगी डेटा को स्टोर करवाओगे तो डेटा जो है वो आपका ट्रैवल कर रहा है फिर उसको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए तो भाई इसके लिए हम जो है क्या यूज़ करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है बसेस वगैरह होती हैं जिससे डेटा बस अलग हो गई एड्रेस बस हो गई अलग हो गई कंट्रोल बस अलग हो गई जिसमें डेटा को इधर से उधर भेजने में कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारा काम कौन करता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर करता है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है और क्यों हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ने वाले हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक आ जाता है कि लाइक हिस्ट्री आ गई जो

सेकेंड में क्या यूज़ करते थे फर्स्ट तो मैंने बता दिया वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था ठीक है सेकेंड में क्या यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर क्या यूज़ करते थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे थर्ड में आप क्या यूज़ करते हो वो आप मुझे बताओगे उसके बाद जो है फोर्थ में आप क्या यूज़ करते हो और अभी जो लास्ट आपके जो फिलहाल चल रही है फिफ्थ जनरेशन उसमें आप क्या यूज़ करते हो ठीक है साथ में आपको वी और ULSI आई की फुल फॉर्म भी बतानी और वी एल एस आई जो है वो कौन सी जनरेशन में यूज होता है और यू एल एस आई जो है वो आपका कौन सी जनरेशन में यूज होता है ये भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपका ये जो है इतना सारा होमवर्क है भाई और उम्मीद है अब अभ, अभी जो है आप वीडियो को पॉज करोगे और अपना होमवर्क जो है वो कमेंट सेक्शन में करोगे ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे ठीक है और एक चीज़ और मुझे आप लोगों से शिकायत करनी है बच्चे जो हैं वीडियो को लाइक करने में इतनी ज़्यादा कंजूसी करते हैं आप डे वन वाली वीडियो पे देखना अप्रॉक्सीमेट जो है 1500 के आसपास जो है व्यूज़ आ चुके हैं लेकिन उस वीडियो पे अभी तक 100 लाइक भी नहीं हुए हैं 1500 लोगों ने देखा है लेकिन सौ बच्चों ने भी लाइक नहीं किया भाई बहुत कमाल की बात है मैं खुद शौक दूँ कि भाई इतना ज़्यादा मतलब एटलीस्ट सौ दो सौ लाइक इतना तो बनता है ना भाई इतनी ज़्यादा मेहनत होती है तो इतना मतलब आप वीडियो देखते हो तो एटलीस्ट एक लाइक तो कर दिया करो ठीक है ओके okay. अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो कंप्यूटर की टाइप तो कंप्यूटर आप सभी को पता है सबसे जो है सुपर कंप्यूटर होता है मेन मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर हो गया आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया तो ये सारे जो है आपके कंप्यूटर होते हैं तो कंप्यूटर देखने से पहले टाइप कंप्यूटर होता क्या है तो कंप्यूटर क्या है एक डिफाइंड फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन है जो एक्सेप्ट करता है इनपुट को जैसे कि मैंने कहा फिर क्या करेगा वो प्रोसेस करेगा देन जो है वो स्टोर करवाएगा देन आपके रिजल्ट को क्या कर देगा प्रोड्यूस कर देगा देख ये चार चीजें मेन होती हैं तो अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है वो देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा कि सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को आप क्या कहते हो प्रोसेसर भी कहते हो प्रोसेसर और सीपीयू दोनों एक ही बात है सीपीयू क्या हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया अब ये आपका सीपीयू है ठीक है यहाँ से आपने इनपुट दिया इसको और यहां से इसको आउटपुट मिल रहा है तो अब इस सीपीयू में तीन चीजें मेन होती हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है सबसे पहला होता है आपका एएल अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट अगर आपको प्लस माइनस ये सारा काम करवाना है तो आप एलयू से फिर जो है आपकी कंट्रोल यूनिट होती है ठीक है उसके बाद होता है आपका मेमरी वाला कंसेप्ट मेमरी यूनिट मिल जाएगी या फिर रजिस्टर मिल जाएंगे रजिस्टर भी आपका क्या है तरीके से मेमरी है जिसमें आप कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करवाते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो है आ, तीन चीजें हो गई मेन आपके सीपीयू के अंदर मेमोरी मिलेगा मेमोरी नहीं मिला तो आपको रजिस्टर मिलेगा ये जो है आपको इस तरीके से मिलेंगी ठीक है तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है सीपीयू के अंदर तीन कौन कौन सी चीजें होती हैं तो एएलयू होता है सीयू होता है मेमोरी होता है और आपका ये आपका सीपीयू के अंदर होगा ठीक है ओके तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई आप टाइप क्या है सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर वही कंप्यूटर है जो आप कहीं से भी उठा के कहीं पर भी जो है उसको लेके जा सकते हो देन दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन होम्स भाई होम में आजकल सभी के घर में आपको कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप सभी के घर में मिल जाएगा पेन टैबलेट वगैरह सबके घर में मिल जाएंगे इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स विद प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज यूनिट अलॉन्ग विद वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ठीक है उसके बाद है नोटबुक कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है दिस आर कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल वर्जन ऑफ पीसीए क्या है कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल वर्जन है किसका पीसी का क्योंकि पीसी से भी नोटबुक का क्या होता है बहुत छोटा साइज होता है जिसको आप कहीं पे भी एक तरीके से जबकि स्मार्टफोन होते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है लेकिन एक नोटबुक का जो आपने साइज देखा वैसा होता है ठीक है वर्क स्टेशन क्या होता है दिस वेरी हाई रिजोल्यूशन इनपुट आउटपुट ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज के अंदर क्या होता है वर्क स्टेशन के अंदर भाई जो है ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी होती है बड़े बड़े जहां पर बिजनेस वगैरह होता है वहाँ पर आप यूज करते हैं बट विद द सेम डायमेंशन ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर दिस आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ इंट्रैक्टिव डिजाइन एंड वर्क ठीक है computer, work, तो वहाँ पर जो है इसका यूज किया जाता है उसके सब बात बात करें तो एंटरप्राइज सिस्टम एंटरप्राइज सिस्टम क्या होता है दीज आर यूज फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग इन मीडियम टू लार्ज कॉपरेशन दैट रिक्वायर मोर कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी देन वर्क स्टेशन इंटरनेट एसोसिएटेड विद सर्वर अ डोमिनेट वर्ल्ड वाइड सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है अब देखो सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ किया जाता है लाइक like, आपको वेदर फोरकास्टिंग करनी है या फिर जो आपको मिसाइल वगैरह वहाँ पर जो है आप यूज़ करते हैं इसका दीज आर द यूज़ फॉर लार्ज स्केल न्यूमारिकल कैलकुलेटिंग रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन लाइक like, वेदर फोरकास्टिंग समझ में आ रही है? आपकी मेन मेन टाइप्स थी ठीक है तो अब आपको बस ज़्यादा जो है इसके बारे में नहीं देखना है अब क्वेश्चन आपको मैंने बताई दिया कैसा क्वेश्चन आएगा देखो फंक्शनल यूनिट क्या होती है तो ये आपका इनपुट हो गया ये आपका आउटपुट हो गया ठीक है इनपुट आउटपुट हो गए ये आपकी मेमोरी हो गई ये आपका एली हो गया प्रोसेसर या आपकी कंट्रोल यूनिट होगी ठीक है ये तीन चीज़ें आपकी कहाँ पर होती है प्रोसेसर के अंदर होती है तो ये आपका मेन जो है कंप्यूटर का डायग्राम था ठीक है अब इनपुट यूनिट क्या करती है ये सब क्या करता है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि आपका बेसिक है आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का तभी जो है आपको आगे की चीजें समझ में आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ठीक है तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करता है कोडेड इन्फॉर्मेशन एज सोर्स ऑफ प्रोग्राम देखो हाँ यूजर जो देते हैं आपके कीबोर्ड पे क्या होता है नॉर्मल ए बी सी डी वन टू थ्री इस फॉर्म में जो आपका डेटा होता है आप उसी फॉर्म में जो है इनपुट देते हो ठीक है लेकिन आप सभी को पता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ठीक है तो इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट द दॉडेड इन्फॉर्मेशन एट सोर्स प्रोग्राम ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और ऑब्वियसली अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो अगर आपने कुछ इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो तो आप इंग्लिश में ही तो लिखोगे भाई जो आपके की बोर्ड पे जो वर्ड्स लिखे हैं लाइक ए बी ए टू जेड और वन टू थ्री ये जो सिंबल्स वगैरह वही करोगे और इमीडिएटली यूज बाई द प्रोसेस टू परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन ठीक है so तो ये क्या हो गया तो कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा आपका जो रिजल्ट है या फिर जो है डायरेक्ट जो है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको आउटपुट मिलेगा प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमरी डिटरमाइन द प्रोसेसिंग स्टेप बेसिकली द कंप्यूटर कन्वर्ट वन सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तो वो क्या होगा भाई अब मैंने हाई लेवल लैंग्वेज मतलब मैंने जो है हाई लेवल लैंग्वेज थी है ठीक है तो कंप्यूटर को तो समझ नहीं आती इंग्लिश लैंग्वेज तो वो क्या करेगा उसको जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा लाइक like, मेरा नेम है नीतू तो भाई मैंने तो नीतू ही डाला लेकिन अब जो है वो क्या करेगा इस नीतू का जो है जीरो और वन में कन्वर्ट कर देगा कहाँ जीरो लगाएगा कहाँ वन लगाएगा वो उसको पता है ठीक है मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर अच्छे से अंडरस्टैंड करता है यूजर को अंडरस्टैंड नहीं होती है ठीक है ओके अब फाइनली द रिज़ल्ट आर सेंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड और जब वो रिजल्ट को सेंड करेगा तो वो आपको वैसा ही रिजल्ट सेंड करेगा जैसे आपने इनपुट दी थी आपको पता भी नहीं चलेगा कब उसने मशीन लैंग्वेज में आपके जो आपका इनपुट की उसको कन्वर्ट किया देन आपके आउटपुट को भी कन्वर्ट करके वो जो है आपको दे देगा ताकि वो आप उसको समझ सको ठीक है ऑल दिसनल uh, as outside आउटसाइड वर्ल्ड output आउटपुट ऑल दिस एक्शन आर coordinated by द कंट्रोल यूनिट ये सारे जो एक्शन है वो किसके थ्रू uh, coordinate किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो है देखे जाते हैं अब किसको इनपुट देनी है अब देखो भाई मैंने सबोज चार पांच कमांड एक साथ दे दी है तो पहले कौन सी कमांड की थी वो पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा आपके पास जो एरिया है स्टोरेज का वो पूरा है या नहीं है किसको जो है स्पेस देना है किसको नहीं देना है तो ये सारा काम आपका कंट्रोल यूनिट का होता है ठीक है अब इनपुट यूनिट द सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कोडेड इन्फॉर्मेशन सिंपली डेटा इज फेड टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस की बोर्ड इज मोस्ट कॉमन टाइप की इनपुट क्या होता है आप ये माउस से देते हो कीबोर्ड से देते हो आप इन्हीं से तो इनपुट दोगे जो भी आपने की प्रेस की है वो आपकी एज ए कंप्यूटर में जो टाइप हुई है वो क्या बन गया है इनपुट बन गया है है ना वन कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड ऑन नंबर इज ट्रांसलेटेड इन इक वाइनरी कोड ओवर केबल एंड फेड आइदर टू मेमोरी और द प्रोसेसर ठीक है अब आपका जॉयस्टिक हो गया ट्रैक बॉल हो गया माउस हो गया स्कैनर हो गया ये सब क्या है आपके ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं ठीक है इनपुट डिवाइसेस आपको सभी को पता है तो मैं ये मान के चल रही हूं भाई आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पता है क्या होते हैं आपको बेसिक कंप्यूटर पता है फिर भी कुछ कुछ मैंने आपको मेन मेन यहां पर बताया है आप जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी ठीक है आप देखो मेमरी यूनिट अब मेमोरी यूनिट की बात की जाए मेमोरी को तो हम वैसे बहुत डिटेल में करने वाले हैं क्योंकि मेमोरी में से जो है हंड्रेड परसेंट चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो कोई भी एग्जाम लाइक चाहे ई एम आर एस हो चाहे आपका डी एस एस बी हो चाहे आपका केवीएस हो चाहे आपका एसटेट हो चाहे आपका एच एस एस सी पीजीटी हो ठीक है कोई भी एग्जाम हो गई इनमें से आपका जो है डेफिनेटली मामरी हरारकी वाला जो टॉपिक है जो जो यहां पे जो यूनिट है इसकी यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ गए जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद ठीक है यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू है इसका तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिकली फंक्शन टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा इट इज बेसिकली टू टाइप लाइक प्राइमरी मेमरी एंड द सेकेंडरी मेमरी ठीक है तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दी प्राइमरी मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर के अंदर होती है और एक्सट्रा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक्सटर्नली हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ताकि कंप्यूटर का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो सके लाइक हार्ड डिस्क वगैरह आप डालते हो ठीक है या फिर आपका पेन ड्राइव हो गया फ्लैश ड्राइव हो गया ये सब क्या है आगे ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ठीक तो है तो प्राइमरी मेमोरी क्या है इसलिए विद प्रोसेसर एंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्पीड program must be stored in this memory while they are being executed the memory contain a large number of semiconductor storage cell. it's capable of storing one bit of information this these are processed in group of fixed site called word okay. to provide easy and access to word in memory ठीक है तो आप जो है इजीली जो है एसेस कर सकते हो वर्ड को इन मैमरी डिस्टिंट एड्रेस इज एसोसिएटेड विद इच वर्ड लोकेशन एड्रेस आर नंबर दैट आइडेंटिफाई मैमरी लोकेशन तो एड्रेस क्या होता है देखो भाई आपके घर का भी पर्टिकुलर एड्रेस होता है अब पर्टिकुलर एड्रेस होने से क्या होता है पर्टिकुलर लोकेशन को ढूंढ लेंगे ना कि भाई आप जो है इस एरिया में इस, 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 इसके इस, इस, इस पास रहते हो तो बिना एड्रेस के तो कोई नहीं ढूंढ सकता आपको आप पर्टिकुलर एड्रेस मैंशन करोगे सपोज रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं आपने जो है अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया आपने सिर्फ जो है डाल दिया जिस जिस भी एरिया में रहते हो लाइक शांति नगर ठीक है आपने ये एरिया डाल दिया अब जो है इस एरिया में आपको पर्टिकुलर अपना एड्रेस भी तो देना पड़ेगा आपके घर का नंबर लाइक ए ए दो सौ इकतालीस इस तरीके से आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा है ना जब आप एड्रेस दोगे तभी तो वो बंदा आपके घर पे आएगा आपको सामान डिलीवर करके जाएगा बिना एड्रेस के वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा नहीं करेगा ऐसे ही जो है मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है पर्टिकुलर एड्रेस देना पड़ेगा ठीक है एड्रेस नंबर देना पड़ेगा नंबर ऑफ बिट्स इन विच वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ड लेंथ जो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं देखो भाई जो ये एड्रेस होता है इसको हम किसमें क्या करते हैं वर्ड में और ये जो वर्ड होती हैं जो ये नंबर ऑफ बिट्स होती हैं इच वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ड लेंथ जैसे सपोज ये है ठीक है इसको मैंने जो है इस तरीके से ये जो है ये पूरा ये ये पूरा लाइक ये है ये ये जो सेल है इसको मैंने लाइक वन ज़ीरो वन ज़ीरो इस तरीके से इसने फिल किया हुआ है तो ये जो पूरी जो है आपके पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो क्या कहलाएंगे वर्ड की लेंथ कहलाएंगे ठीक है इसको हम क्या कहते हैं वर्ड लेंथ कहेंगे ठीक है तो रेंडोमस मेमरी की फुल फॉर्म आपके पूछ ही जाती है और रेंडोमस मेमरी आपकी वॉलेटाइन मेमरी होते लाइफ चले जाए तो आपका डेटा भी चला जाता है द टाइम रिक्वायर्ड टू असिस्ट वन वर्ड इज कॉल्ड मेमरी टाइम जो टाइम रिक्वायर्ड है एक वर्ड को असेस करने में उसको आप क्या कहते हो मेमरी टाइम मतलब एक वर्ड को असेस्ट करने में जो आपको टाइम लगता है आप उसको क्या बोलोगे मेमरी टाइम मेमरी विच इज ओनली कैचेबल द यूजर एंड कंटेंट ऑफ विच कैन नॉट बी ऑल्टर इज कॉल्ड रीड ओनली मामरी ठीक है तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी रीड ओनली मामरी ये जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमरी होती है और रैम जो है वो आपकी वॉलेटाइल मामरी होती है ठीक है अब इसमें क्या है अब हाँ इसमें जो है आपका नॉन वॉलेटाइल हो गया और ये आपका वॉलेटाइल हो गया मेन डिफरेंस यही है ठीक है उसके बाद जो है कैशे आर द स्मॉल फास्ट रैम यूनिट अब जो कैश मेमोरी होती है देखो भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको डायग्राम बता देती हूँ तो ये जो है ये आपका मेमोरी हिराकी का डायग्राम है सबसे ऊपर आती है आपके रजिस्टर फिर आती है आपकी कैश मेमोरी फिर आती है आपकी मेन मेमोरी फिर आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हो रजिस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं भाई सबसे ज़्यादा लेकिन जो इनका स्टोरेज का जो एरिया है वो बहुत कम होता है उनके पास जो है स्पेस जो है बहुत कम होता है कैश मेमोरी जो है वो आपकी एज कम्पेयर टू रजिस्टर जो है वो थोड़ी स्लो होगी लेकिन इसका साइज जो है वो एज कंपेयर टू रजिस्टर जो है वो ज्यादा होगा मेन मेमोरी की बात की जाए तो मेन मेमोरी जो है वो कैश और रजिस्टर दोनों से स्लो होती है धीरे होती है लेकिन जो इसका साइज होता है वो दोनों से बड़ा होता है और सेकेंडरी मेमोरी बहुत ज्यादा स्लो होती है और इसका साइज इन सभी से जो है वो क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है तो ये आपको तो ऑबली कैश मेमोरी का जो साइज है RAM, RAM और रोम आपके पर आएंगे आएंगे मेन मेमोरी में तो कैश ज़्यादा फास्ट होगी एज कंपेयर टू रोम ठीक है विच आर कपल्ड विद प्रोसेसर एंड आर ऑफन कंटेन सेम आई सी टू अचीव हाई परफॉर्मेंस आल दो प्राइमरी स्टोरेजेंशली इट नेंट टू बी है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है इट uh, इज़ यूज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पर जो है सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है बहुत सारा डेटा जो है स्टोर करते हो कि भाई फ्यूचर में यूज़ हो जाएगा जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर भाई अपने नोट्स डाल लिए अपने पीपीटी वगैरह डाल दी प्रीवियस ईयर पेपर आपने डाल दिए कुछ वीडियोज डाल दी जो आपको अच्छी लगती है मूवीज़ गेम आपने ये सब डाउनलोड करके रखा हुआ है कुछ मूवीज़ कुछ सॉन्ग तो वो क्या वो कहाँ पर डालते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में डालते हैं ठीक है ताकि जो है वो आप इन फ्यूचर आपको यूज़ करना हो क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है ठीक है तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम टू बी स्टोर पर्टिकुलरली इनफॉर्मेशन दैट इज अस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जाम्पल क्या होगा मैग्नेटिक डिस्क टेप ऑप्टिकल डिस्क सीडी ये सब क्या है आपके जो है सेकेंडरी के हैं अब बात करें ए एल यू के एलयू की अगर मैं बात करूं तो लॉजिक यूनिट होता है यहां पर जो है आपको एडिशन अपट्रेक्शन डिवीजन मल्टीप्लेक्शन ये सारे जो है ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो एएलू के अंदर ठीक है स्टोर इन हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट कॉल रजिस्टर देन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन द रिक्वायर्ड सीक्वेंस ठीक है तो यहां से आपको समझ में आएगा देखो तो ये आपका प्रोसेसर है प्रोसेसर में तीन चीजें होगी अर्थोमेटिक कंट्रोल और ये जो है आपका बसेस हो गए मैंने कहा ना कि बस हम यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर में तो ये सिस्टम बस है सिस्टम बस को आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं लाइक आपका एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल लाइन ठीक है अब आप सोचोगे मैं बस मैं, मैं मैं बस बोल रही हूँ यहाँ पर लिखा है लाइन तो भैया लाइन और बस दोनों एक ही चीज़ है या तो आप एड्रेस बस बोल लो या लाइन बोल लो कोई डिफरेंट नहीं है ठीक है अब रजिस्टर्स को भी आप काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि आपका एक्यूमिलेटर अलग अलग हो गया एक्यूमिलेटर क्या होता है एक्यूमिलेटर यूज होता है इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको स्टोर करवाने के लिए एक्ूमिलेटर का यूज किया जाता है एड्रेस बफर डेटा बफर इंस्ट्रक्शन काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंटरप्ट रजिस्टर तो ये सारे जो है आप यूज करते हो डेटा रजिस्टर के अंदर ठीक है ठीक है तो ये सारी चीज़ें होती है बेस के अंदर इसके बाद देखो थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि रिविजन है थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि अभी सारे काफी सारे जो है यहाँ पर टॉपिक रहते हैं आपके तो यहाँ पर आप देख सकते दिस आर एक्चुअली और द काउंटर पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट इट इज बेसिक फंक्शन टू सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड ठीक है लाइक प्रिंटर स्पीकर मॉनिटर ये सब आपके क्या होते हैं ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं जो आपका रिजल्ट जो है वो आपको शो करता है लाइक मॉनिटर पे आपको आउटपुट अपना दिखेगा प्रिंटर से आप जो है आप सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी अपने हाथ में लेते हो तो वो क्या है वो आपका आउटपुट है ठीक है अब कंट्रोल यूनिट क्या होती है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअल टाइमिंग सिग्नल ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन इनपुट यूनिट जो टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि कितना जो है कितना डेटा ट्रांसफर करना है कौन गया है कौन नहीं गया है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मेमरी आउटपुट जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट ठीक है तो ये सारा काम होता है आपका कंट्रोल यूनिट का ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूं अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी जितना हमने पढ़ा है उसके बिहार फटाफट देखते हैं भाई इन द सीपीयू व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या होती है कंट्रोल यूनिट आपका क्या करती है डिकोड करती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाती है स्टोर करवाती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज डेटा प्राइमरी स्टोरेज देखो प्राइमरी को डेटा ट्रांसफर करना ही नहीं होता स्टोर करवाना किसी आप प्रोग्राम को स्टोर करवा रहे हो क्या नहीं लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपका एएल यू का काम हो गया इसी जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है डिकोड करती है आपकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो

ऑक्टल हो गया लेकिन जो आपका जो आप डेटा जो फॉर्मेट होता है वो आपका बीसीडी फॉर्मेट में होता है समझ में आया ठीक है किस में होगा बीसीडी फॉर्मेट में सेकेंड क्वेश्चन देखो द एडबिट बिट एनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर बिट जो है वो कौन स्टोर करवाता है तो एट बिट जो है वो आपका ई e बी सी डी आई सी करवाता है कौन करवाता है ई बी सी डी आई सी अगर स्काई की बात करूँ तो स्काई जो है वो आपका सेवन बिट डेटा को सेवन बिट डेटा को स्टोर करवाता है लेकिन एट बिट पूछा है तो आपका आंसर होगा ई e बी सी डी आई सी ठीक है अब यहाँ पर आपका होमवर्क क्या बनता है होमवर्क बनता है आपको फुल फॉर्म बतानी है ए एस सी आई आई की और आपको बताना है ई बी सी डी आई सी ठीक है तो इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कई बार मैंने आपको पहले भी जो है रिपीट करवाई थी जब हमने ये किया था अब जो है ये आपका होमवर्क है क्योंकि ऐसे ही जो है आपको ये जो वाइब आपकी जो को जो शॉर्ट शौ, फॉर्म्स होती है ये आपको याद हो जाएंगी ठीक है तो ये आपको होमवर्क है सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे फटाफट वीडियो को पॉज करो और जो है इसको कमेंट करके बदलो ठीक है नेक्स्ट देखो सोर्स प्रोग्राम इज यूजली इन सोर्स प्रोग्राम कहां पर होता है सामीली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज तो सोर्स प्रोग्राम क्या होता है जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में होता है अगर यहां पर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज यूजली इन मशीन लेवल लैंग्वेज ठीक है अगर आता है क्वेश्चन में सोर्स ना हो गया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम पूछता तो आंसर होता बी ऑप्शन सोर्स प्रोग्राम पूछा है तो आपका आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है नेक्स्ट देखो मेमोरी जनरली मेड कंडक्टर सेमी कंडक्टर का जो है कौन बना है तो जो आपकी मेन मेमोरी है वो आपकी सेमी कंडक्टर से बनी है तो यहाँ पर देखो हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क डीसीडी ये तो आपकी क्या है सेकेंडरी मेमोरी तो आपका मेन मेमोरी क्या है रैम तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन देखो द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम आर कॉल्ड जो जो रैम से जो फास्ट है वो कौन है रैम से फास्ट आपकी कैश मेमोरी है तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन ए एल यू मेक यूज ऑफ डैश टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट मैंने आज जैसा अभी बताया था जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं उसको किसको यूज करेंगे इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए आप यूज करते हैं का तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन ठीक है कई बार एग्जाम में आया है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बार बार रिपीट हुए हैं तो भाई इनको अच्छे से देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंट्रोल एंड कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करती है किसके थ्रू करती है टाइमिंग सिग्नल के थ्रू भाई टाइमिंग सिग्नल भेज के ही तो देखेगी एट क्वेश्चन देखो द डैश आर नंबर एंड एनकोडेड करेक्टर जनरली यूज एज ऑपरेंट तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे मतलब कौन, कौन, कौन किसको आप जो है एनकोड करवाते हो करेक्टर को इनपुट को डेटा को इन्फॉर्मेशन को स्टोर वैल्यू का तो किसको करवाएंगे डेटा को डेटा आर नंबर एड एन कोडेड करेक्टर यूज जनरली यूज एज डेटा ठीक है इसके बाद देखो इनपुट डिवाइस कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसर जो इनपुट डिवाइसेज हैं वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं प्रोसेसर को कैसे सेंड करेंगे डेटा अराइव रिगार्डलेस ऑफ फ्लैग फ्लैगर ऑफ द केसेज आई द केसेस तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन द इनपुट डिवाइस यूज बफर टू स्टोर द जो इनपुट डिवाइस है वो किसका यूज करेंगे बफर को डेटा को स्टोर करवाने के लिए रिसीड डेटा इन सेंड टू द प्रोसेसर ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टेंथ क्वेश्चन समझ में आया होगा एग्जाम में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टेंथ क्वेश्चन देखो डैश बस स्ट्रक्चर इज यूजली यूज टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो बस स्ट्रक्चर है वो आपको यूजली यूज करते हैं कनेक्ट आई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से तो कौन सा सिंगल बस ठीक है तो बस क्या होता है बस एक बंच ऑफ वायर है मतलब बहुत सारी वायर होती है जिसमें आप कैरी करते हो एड्रेस को कंट्रोल सिग्नल को डिगटा को ठीक है कनेक्ट करता है वेरियस कंपोनेंट टू कंप्यूटर ठीक है इसके बाद देखो इलेवंथ क्वेश्चन द इनपुट आउटपुट इंटरफेस रिक्वायर टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस टू इनपुट बस कंसिस्ट ऑफ क्या करेगा एड्रेस एंड रजिस्टर कंट्रोल सर्किट एड्रेस रजिस्टर एंड कंट्रोल सर्किट तो यहाँ इसमें क्या होगा आपका एड्रेस होगा कंट्रोल, तो आपका <laughs> देखो, time, जो है, time, किसका? हिप का हायर कैपेसिटी रैम का एस डी रैम का कैशे का क्या होगा यहाँ पर तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन दैट इज कैशे तो आपका क्या हो जाएगा भाई डी ठीक है थर्टीन क्वेश्चन देखो डैश इज जनरली यूज टू इनक्रीज दिन साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पर एक भाई ठीक है तो देखो थर्टीन क्वेश्चन जनरली यूज टू इंक्रीज द अपरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमरी जो आपका मेन मेमरी है उसके साइज को आप थोड़ा इंक्रीज करवा रहे हो ठीक है तो आप किसके अच्छे करवाते हो वर्चुअल मेमरी वर्चुअल मेमोरी इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग मैमरी तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन

टाइम टाइम डिले डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशन ऑफ मेमोरी ऑपरेशन बताना है बिटवीन दो सक्सेसिव इनिशियन तो मेमोरी मामरी टाइम मेमोरी सर्च टाइम मेमोरी साइकिल टाइम मेमोरी डिले तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मेमोरी साइकिल टाइम तो आपका सही आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा ठीक है <laughs> तो ये था आपका बेसिक एक तरीके से कि जो आपका बिल्कुल बेसिक था कंप्यूटर का वो हमने डिस्कस किया है अब देखो कुछ बेसिक ऑपरेशन हैं रजिस्टर्स हैं कौन सा कहाँ पे स्टोर होगा ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं अब आपका मेन जो है थोड़ा सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है अभी हमने बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर देखा है ठीक है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ ले जाते हैं

जी तो यहां पर एग्जाम्पल देखो मैंने क्या किया एड किया लोका को किसमें आर जीरो में दिस इंस्ट्रक्शन एट द ऑपरेंट एट मेमोरी लोकेशन लोका मतलब ये जो ऑपरेंट है ये आपका कहाँ पे स्टोर हो गया है लोका के अंदर जो आपकी मेमोरी लोकेशन है वहां पे स्टोर हो गया है टू ऑपरेंट इन रजिस्टर आर जीरो एंड प्लेस द सम इन टू रजिस्टर और जो इसका सम है वो कहां पर रखा गया है रजिस्टर आर जीरो के अंदर दिस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल स्टेप तो कुछ स्टेप्स हैं क्योंकि आपका आगे इंस्ट्रक्शन आएगी जीरो इंस्ट्रक्शन वन इंस्ट्रक्शन टू लेवल तो ये आपको थो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा ठीक है क्योंकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो, सा तो चीजें सारी जो है क्लियर हो जाएंगी सबसे पहले देखो फर्स्ट द इंस्ट्रक्शन इज फैक्स्ट फ्रॉम द मेमरी इन द प्रोसेस सबसे पहले हम क्या करेंगे मैमरी जो है इंस्ट्रक्शन को फैक्स करेंगे कहां से मेमरी में से ठीक है ऑपरेट एंड लोका इज फैच एंड एडेड टू द कंटेंट ऑफ आर मैंने क्या किया लोका को फैच किया और कहां पर एड करवा दिया आर जीरो के अंदर इसको मैंने लोका को क्या कर दिया एड कर दिया ठीक है उसके बाद देखो थर्ड स्टेप है फाइनली द रिजल्ट देखो सबसे पहले आपने जो है इंस्ट्रक्शन को फैच किया फैच करने के बाद क्या आपके पास स्टेटमेंट क्या थी ये थी एड लोका आर जीरो यही था अब आपने क्या किया फैच किया सबसे पहले मेमोरी में से फिर आपने क्या किया लोका को आर जीरो में ऐड कर दिया क्योंकि ऐड बोला है तो हम क्या करेंगे लोका प्लस आर जीरो और थर्ड जो हमारा फाइनल स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे सम जो होता जो, जो इनका सम होगा वो कहाँ पर स्टोर करवा देंगे आर जीरो के अंदर ठीक है रजिस्टर के अंदर इनका रिजल्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा ठीक है द प्रोसीडिंग एड इंस्ट्रक्शन कंबाइन अ मेमरी एस एस ऑपरेशन विद द एल ऑपरेशन इन सम अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर दीज टू टाइप ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म बाई सेपरेट इंस्ट्रक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस रीज़न, ठीक है तो तो ज़्यादा जो है है आपको नहीं ले ले, ले बस ये समझना है कि भाई अगर स्टेटमेंट लिखी हो लोका आर वन को, और फिर आपने ऐड कर दिया आर वन को और फिर आपका आर वन और आर जीरो को तो यहाँ पर देखो ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड स्टार्टेड बाय सेंडिंग एंड यहाँ पर देखो भाई ये आपका जो है आ, ये हो आपका जो है मैमरी हो गया काफी सारे रजिस्टर्स है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद हम ये देखेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है प्रोग्राम काउंटर क्या होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होगा मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होगा कंट्रोल सी एल यू तो आपको पता है मेमोरी अभी आपको पता है अब ये सारे जो रजिस्टर्स हैं ये आपके क्या है अब हम कोई थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो देखो द प्रोसेसर कंटेन रजिस्टर यूज फॉर सेवरल डिफरेंट परपज यहाँ पर जो रजिस्टर है वो अलग अलग परपज के लिए यूज किए जाते हैं और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। पूछेगा अभी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आप किस लिए यूज कर रहे हो प्रोग्राम काउंटर का यूज क्यों कर रहे हो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बफर जो है उसका क्यों यूज किया जाता है ठीक है मेमरी डेटा रजिस्टर का क्यों यूज किया जाता है तो यहाँ से आपके डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो सबसे पहले बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को एट द करंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या करेंगे जो करंट में हमारी जो जो इंस्ट्रक्शन है है उस एग्जीक्यूट होने वाली उसको होल्ड करके रखेंगे इट्स आउटपुट इज अवेलेबल फॉर द कंट्रोल सर्किट इसकी जो आउटपुट है वो अवेलेबल होगी कंट्रोल सर्किट में विथ जनरेट द टाइमिंग सिग्नल एंड कंट्रोल द वेरियस प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इन वन एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ठीक है प्रोग्राम काउंटर पीसी प्रोग्राम काउंटर यानी कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है बहुत बार हजार बार क्वेश्चन आया है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रोग्राम काउंटर से भी पूछा गया है तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है दिस अनदर स्पेशलाइज्ड रजिस्टर दैट कीप ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इट कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैस एंड एग्जीक्यूटेड ये जो है उस मेमोरी एड्रेस को एग्जी जो है स्टोर uh, करके रखेगा जिसकी नेक्स्ट मतलब तो उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके एड्रेस को क्या करेगा स्टोर कर करके रखे और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसके बाद देखो बी सी आई आर एन बी पी सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पी प्रोग्राम काउंटर देर आर एन जनरल पर्पज पर रजिस्टर आर जीरो एंड आर एन ठीक है तो सबसे आप देखो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है इट होल्ड द एड्रेस ऑफ टू द लोकेशन मतलब ये क्या करेगा एड्रेस को होल्ड करके रखेगा और एमडीआर क्या करेगा डेटा टू बी रिटर्न इन टू रीड आउट ऑफ द एड्रेस लोकेशन ये जो है डेटा को होल्ड करके रखेगा अब कुछ ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन आपके इंपॉर्टेंट है यही जो ये आपके दस ग्यारह जो स्टेप हैं बारह स्टेप है, है. यहाँ से आपके डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन बारह के बारह स्टेप को अच्छे से समझ लेना समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है हाँ जी स्टेप्स देखो सबसे पहले प्रोग्राम रिजाइड इन मेमोरी एंड यूजुअली गेट दिस थ्रू द इनपुट आउटपुट यूनिट जो आपका प्रोग्राम है वो कहाँ पर होगा भाई मेमोरी के अंदर होगा और जिसमें हम क्या करेंगे थ्रू इनपुट आउटपुट यूनिट सेकंड है एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम स्टार्ट व्हेन द पीसी इज सेट टू पॉइंट टू एट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है भाई ये ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना या फिर नोट डाउन कर लेना नोट डाल के जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो जब आपका वो जब आप का जो डेटा है वो कहां पर होगा प्रोग्राम काउंटर में पीसी का मतलब है प्रोग्राम काउंटर ठीक है प्रोग्राम काउंटर इज सेट टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम मतलब किसको पॉइंट करेगा जो आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको पॉइंट करेगा तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है जब आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का तो जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो कहां पर होगी किसको पॉइंट करेगी प्रोग्राम काउंटर में ठीक है प्रोग्राम काउंटर जो है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा नेक्स्ट देखो कंटेंट ऑफ पीसीआर ट्रांसफर टू एम उसके बाद जो कंटेंट जो 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 इस पीसी का जो कंटेंट है सबसे पहले जो कंटेंट है वो कहाँ पर है पीसी के अंदर ठीक है जो अभी इसका कंटेंट है वो कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा एम ए याद इनकी मेमरी एड्रेस रजिस्टर एंड रीड कंट्रोल सिग्नल इज सेंड टू द मेमरी ठीक है और कंट्रोल सिग्नल को क्या करेंगे रीड करेंगे और सेंड कर देंगे मेमोरी को आफ्टर द टाइम रिक्वायर्ड टू असेस द मेमोरी मेमरी एंड एड्रेस वर्ड इज रीड आउट ऑफ लोडेड इन टू एम डी आर ठीक है तो एड्रेस को क्या कर दिया जाएगा एड्रेस uh, को हम क्या कर देंगे लोड कर देंगे देंगे भेज मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर नाउ अब कंटेंट आपका कहां पर पहुंच चुका है एमडीआर के अंदर पहुंच चुका है मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर पहुंच चुका है और ट्रांसफर्ड आई आर एंड नाउ द इंस्ट्रक्शन इज रेडी टू डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड तो अब जो है आपका डेटा कहां पर है एमडीआर में और कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा आईआर में दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका क्या करता है जो आपकी करंट जो आपका जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाले जो करंट काम होने वाला है वो सारा कौन बताता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बताता है नाउ इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी रेडी है डिकोड और एग्जीक्यूट होने के लिए ठीक है तो जो करंट में आपकी एक, जो इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट होगी वो कौन बताता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ठीक है इफ द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व एन ऑपरेशन बाई एल यू इट इज ने टू ऑपटेन रिक्वायर्ड ऑपरेन्ट्स ऑल ऑपरेंट इन द मैमरी इज फैंड इम ए आर एंड इनिशियटिंग रीड साइकिल तो जो ऑपरेंट है मैमरी का वो फैच किया जाता है बाई सेंडिंग एन एड्रेस मैमरी एड्रेस रजिस्टर इनिशियटिंग रीड राइट साइकिल उसके बाद अगर मैं बात करूट पॉइंट वेन द ऑपरेंट है हमने रीड किया फ्रॉम द मैमरी टू द एम डी आर ठीक है मैंने क्या किया ऑपरिंट जो है आपका उसको मैंने रीड किया कहाँ से मैमरी से एम डी आर में इट ट्रांसफर टू फ्रॉम एम डी आर टू एल यू कहाँ से ट्रांसफर किया गया एमडीआर से ए एल यू में फ्टर वन और टू इट सेटेड साइकिल द ए एल यू कैन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन ए एल यू जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इफ़ द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज स्टोर टू द मेमरी द रिजल्ट सेंड टू द एम डी आर जब हम रिजल्ट को ऑपरेशन को स्टोर करवाएंगे तो जब रिजल्ट जो है वो स्टोर करवाएंगे तो रिजल्ट जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ सेंड कर दी जाएगी एम डी आर में एड्रेस ऑफ लोकेशन वेद रिजल्ट इज स्टोर्ड इज सेंड टू द एम तो आपका मेमरी एड्रेस रजिस्टर में भेज दिया जाएगा एंड राइड द साइकिल एड्रेस करेंगे तो आपका कहाँ भेज देंगे मेमरी एड्रेस रजिस्टर में कंटेंट ऑफ पी जो आपका पीसी का जो कंटेंट है ऑब्वियसली जो यहाँ पे ये जो डेटा था मैंने ये डेटा पे काम हो रहा है अब जो आपका जो पीसी पे जो डेटा है उसमें क्या कर देगा इंक्रीमेंट कर देगा और नेक्स्ट जो डेटा है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ठीक है पीसी पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्जीक्यूटेड तो पीसी क्या करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लग जाएगा तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई इसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से ठीक है उसके बाद देखो फॉलोइंग Uh, so, ट है क्योंकि आपका टीजीटी पीजीटी का है तो इतने जो हैसेज है ठीक है सबसे पहले आता है डेटा रजिस्टर अगर मैं कहूँ जो आपका एड्रेस रजिस्टर है और प्रोग्राम काउंटर है जो आपका एड्रेस रजिस्टर है ठीक है और है, आपका प्रोग्राम काउंटर इन दोनों की जो बिट होती है वो बारह बारह बिट होती है ठीक है इन दोनों की जो बिट होंगी वो बारह बारह होंगी बाकी जितने भी आपके रजिस्टर है लाइक डेटा रजिस्टर हो गया सिक्सटीन बिट का आपका एक्मलेटर हो गया सिक्सटीन बिट का इंस्ट्रक्शन हो गया आपका सिक्सटीन बिट का टेम्पररी रजिस्टर हो गया सिक्सटीन बिट का और जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर होते हैं जो नॉर्मल इनपुट आउटपुट है वो एट एट बिट के होते हैं ठीक है तो ये चीज़ याद रख लेना तो यहाँ पर जो है डेटा रजिस्टर में होल्ड करेगा मेमोरी ऑपरिट को यहाँ पर होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ द मेमोरी को एक्ूमलेटर में प्रोसेसर रजिस्टर ठीक है इंस्ट्रक्शन में होल्ड करेगा इंस्ट्रक्शन uh, कोड को प्रोग्राम काउंटर होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी होल्ड द टेम्पररी डेटा और यहाँ पर इनपुट करेक्टर तो uh, और यहाँ पर आपके आउटपुट करेक्टर तो भाई तीन बिट होती हैं सोलह आठ और बारह ठीक है सोलह बिट होती हैं आपकी आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका प्रोग्राम काउंटर ठीक है सॉरी प्रोग्राम काउंटर नहीं आपका डेटा uh, रजिस्टर हो गया एक्यूमिलेटर हो गया आपका इंस्ट्रक्शन तो ये तीन चीजें डेटा रजिस्टर एक्यूमलेटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और आपका टेम्पररी रजिस्टर तो चार में आपके सोलह सोलह बिट हो गए एड्रेस रजिस्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और आपका प्रोग्राम काउंटर में बारह बारह बिट और आपका इनपुट और आउटपुट में कितनी होगी आठ आठ ठीक है तो ये चीज याद रख लेना यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है ठीक है ओके इसके बाद देखो थोड़ा जल्दी करते हैं भाई इसके बाद हाँ अब कुछ क्वेश्चन है देख लो ताकि आपको समझ में आए जो हमने पढ़ा है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले डिकॉड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन सबसे पहले जो डिकॉर्ड होती है इंस्ट्रक्शन डिकोडेड डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड कहां पर होती है भाई आई आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आप डिकोड करवाते हो स्टोर करवाते हो एग्जीक्यूट करवाते हो ठीक है तो ओके इसके बाद है इंस्ट्रक्शन एड लोका आर जीरो आर जीरो का क्या मतलब है कि हमने क्या किया एड लोका हमने लोका को एड किया किसमें आर जीरो को एड करवा दिया और फाइनल क्या था आर जीरो में जो है इनका रिजल्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा एट द वैल्यू ऑफ लोका टू आर जीरो मतलब वैल्यू को एड किया लोका से आर जीरो में स्टोर करवा दिया टेम्प रजिस्टर क्या टेम्प रजिस्टर में स्टोर करवा रहे थे नहीं भाई आर जीरो में स्टोर करवा रहे थे ना वैल्यू को एट द वैल्यूफ़ आर जीरो टू द एड्रेस ऑफ लोका एड करवा रहे हो वैल्यू uh, uh, को आर जीरो को एड्रेस ऑफ द लोका क्या एड्रेस में करवा रहे हो नहीं भाई ठीक है इसके बाद देखो एट द वैल्यू ऑफ बोथ लोका एंड आपने एड किया बोथ लोका की भी वैल्यू को और R0 की भी वैल्यू को दोनों को आपने क्या कर दिया एड कर दिया और इनका जो रिजल्ट है वो स्टोर करवा दिया के अंदर तो बिल्कुल सही है यही तीन स्टेप हमने पढ़े थे भाई स्टार्टिंग में ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन एट द वैल्यू ऑफ लोका विद वैल्यू इन एक्टर एंड स्टोर इट आर जीरो पर हम यूज ही नहीं कर रहे थे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे इसके बाद देखो विच रजिस्टर कैन इंटरैक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से जो है वो कौन इंट्रेक्ट करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है प्रोग्राम काउंटर करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है आर करता है कौन करता है ठीक है तो सेकेंडरी मेमोरी लास्ट में जो आपका डेटा है, जो है वो कहां से कहां सेंड किया जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से ही तो भेजा जाएगा तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो आपके सेकेंडरी के साथ सेकेंडरी स्टोरेज के साथ सेकेंडरी मैमरी के साथ क्या करता है इंटरेक्ट करवाता है तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विच गेट इनिशिलाइज फर्स्ट जब आप एग्जीक्यूशन करवाते हो प्रोग्राम का तो क्या इनिशियलाइज करवाओगे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर रजिस्टर को को इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर को एमएआर को किसको तो भाई जब आप एग्जीक्यूशन करवाते हो प्रोग्राम का सबसे पहले किसको इनिशियलाइज करवाते हो पीसी प्रोग्राम काउंटर को जस्ट अभी मैंने पहले ही स्टेप में आपको ये चीज बताई थी और कहा था इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है तो आपका आंसर हो जाएगा पीसी ठीक है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो विच रजिस्टर ऑफ द प्रोसेस कनेक्टेड टू मेमोरी बस कौन सा रजिस्टर जो है है वो आपका मेमोरी मेमोरी बस से कनेक्टेड होता है, तो कौन होगा भाई एड्रेस रजिस्टर बी ऑप्शन नेक्स्ट देखो आईएसपी आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होगी इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग इंटरचेंज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरप्ट सर्विस प्रोसेसर ठीक है तो आपका आंसर होगा इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट देखो

कि डैश इज यूज टू चूज बिटवीन इंक्रीमेंटिंग द दीसी एंड परफॉर्मिंग एल कंडीशनल कोड मल्टीप्लेक्सर कंट्रोल यूनिट तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर यूज किया जाता है बिटवीन किसमें इंक्रीमेंटिंग द दीसी और परफॉर्मिंग ए एल यू ऑपरेशन तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट देखो नाइन्थ क्वेश्चन द रजिस्टर ए एल यू एंड द इंटर कनेक्शन बिटवीन दम जो रजिस्टर है और ए एल यू है वो किसके साथ जो है वो क्ट करते हैं ठीक है प्रोसेस राउट इंफॉर्मेशन ट्रेल इंफॉर्मेशन पाथ या डेटा पाथ तो किसके साथ करेंगे डेटा पाथ के साथ ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अब देखो बस का स्ट्रक्चर बस स्ट्रक्चर देखो भाई बस से ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बस स्ट्रक्चर मामली हिरा इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग मोड ये सब आपका रहता है अभी ठीक है अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आपका एक तरीके से तो बस स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंटरकनेक्टिंग अगर नॉर्मल अगर हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल में देखें भाई बस क्या होती है बस आपको क्या करती है अब आप, आप जो है अपने घर से लाइक आप जा रहे हो रोहतक से दिल्ली आप रोहतक से डेली जा रहे हो ठीक है तो क्या करोगे बस से जाओगे बस से बस क्या कर रही है आपको रोहतक से डेली भेज रही है सेंड कर रही है मतलब आपको यहां से उठा के आपको यहां पे लेके जा रही है ठीक है आपके साथ सामान है तो उसको भी लेके जा रही है बहुत सारे लोगों को जो है छोड़ रही है तो बस का यहीं पर यहां पर भी वही काम है कंप्यूटर की भाषा में बात की जाए तो कंप्यूटर में क्या कर रहा है डेटा को उठा के लेके जाना ठीक है जैसे बस यहां से आपको उठा के लेके जा रही है वैसे ही बस जो है इसमें क्या कर रही है वो डेटा को उठा के लेके जा रही है और उस पर जो है काम करवा रही है ठीक है बस अब देखो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंटर कनेक्टिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर जब कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो जब आपस में कनेक्ट करते हैं वेरियस पार्ट्स जो कनेक्ट करते हैं तो किस वे में करेंगे वो जो है इंटर कनेक्ट करेंगे कैसे करेंगे भाई जब जो है वो डेटा को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे पास करेंगे भेजेंगे ठीक है तो ये कॉमन वे है आपका उसके बाद टू अचीव अ रीजनेबल स्पीड ऑफ ऑपरेशन अचीव करवा रही है रीजनेबल स्पीड ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर मस्ट बी ऑर्गेनाइज सो दैट

अभी आपका इनपुट हो गया मेमोरी हो गया प्रोसेसर हो गया आउटपुट हो गया ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है मेमोरी क्या है प्रोसेसर क्या है आउटपुट क्या है तो ये चार चीज़ें मेन होती हैं भाई आपकी ये चार चीज़ें मेन होती हैं और सिंपलेस्ट वे इंटरकनेक्ट यूज ऑफ सिंगल बस ठीक है तो ये से आपकी सिंगल बस है और इन सभी को जो है आपस में क्या करवा रही है इंटरफेस करवा रहे हैं हम तो सिंस द बस कैन बी यूज ओनली वन ट्रांसफर एट अ टाइम बस क्या कर रही है एक एक टाइम पे ही ट्रांसफर कर रही है ओनली टू यूनिट कैन एक्टिवली यूज द बस एट एनी गिवन टाइम बस कंट्रोल लाइन आर गिवन टू बाइट्री मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर यूज ऑफ वन बस तो सिंगल बस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा लो कॉस्ट वेरी फ्लैक्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग पेरीफरल डिवाइस लो कॉस्ट हो जाएगी और फ्लेक्सिबल हो जाएगा पेरीफरल डिवाइसेज को अटैच करना ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई अब हाँ अब कुछ क्वेश्चन देख लो इसके बेस पे क्वेश्चन के बाद अब हम थोड़ा सा फिर इसको बाद में डिटेल से देखेंगे कुछ क्वेश्चन देख लो हाँ जी क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन वर्चुअ सिंगल बस स्ट्रक्चर जा हो जाएगा फास्ट डेटा ट्रांसफर हो जाएगा या फिर कोस्ट अफेक्टिव कनेक्टिविटी एंड स्पीड कोस्ट इफेक्टिव कनेक्टिविटी इज ऑफ अटैचिंग पेरिफेरल डिवाइसेस ठीक है तो कोस्ट अफेक्टिव भी होगा भाई सिंगल बस यूज करो साथ में इजीली हम जो है पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक है सेकेंड क्वेश्चन देखो डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ वेरियस डिवाइसेस ठीक है तो कैसे करोगे बफर सर्किट ब्रिज सर्किट मल्टीपल बसेस या बफर रजिस्टर देखो अगर अगर आपको बफर 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 पर आपका आंसर क्या होगा ना रजिस्टर दे रखा हो तो आपका आंसर कैसे रजिस्टर भी होगा ठीक है तो बफर रजिस्टर रजिस्टर कैशे दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं अगर आपको स्पीड में जो है डेटा उसकी स्पीड को ओवरकम करना है तो आप उसके लिए बफर या कैशे रजिस्टर का यूज करोगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस यूज अगर आपको कनेक्टिविटी को क्या करना है एक्सटेंड करवाना है प्रोसेसर की तो आप क्या यूज करोगे पीसीआई बस एस सी एस आई बस कंट्रोलर मल्टीपल बसेस तो इसके लिए आप यूज करोगे पीसीआई बस का ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन देखो आई बी एम डेवलप्ड हाँ जी फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई आई बी एम डेवलप्ड बस स्टैंडर्ड फॉर दियर लाइन ऑफ कंप्यूटर पीसीएटी कॉल्ड आईबीएम ने क्या किया बस स्टैंड ऑफ लाइन क्या क्या डेवलप uh, किया तो उसको आप क्या कहोगे आई बी बस एम बस आई एस ए या फिर तो यहां पर इसको आप क्या बोलोगे आई एस ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई द बस यूज टू कनेक्ट द मोनिटर ऑफ द टू दीपीज क्या बोलेंगे पीसीआई बस एस सी एस आई बस मेमोरी बस राम बस या तो उसके आप बोलोगे एस सी एस आई बस का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट कर लो भाई एनसी स्टैंड एनसी की फुल फॉर्म बतानी है तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट दैट इज ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सेवंथ क्वेश्चन देखो रजिस्टर कनेक्टेड टू तो प्रोसेस बस इज अ सिंगल वे ट्रांसफर कैपेबल ऑफ किससे पीसीआईआर टैम्प या जेड तो जेड रजिस्टर जो है आप इस जो इससे क्या करोगे कनेक्ट करवाओगे एट क्वेश्चन देखो इन मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो द रजिस्टर करेगा uh, register, register file, register block, तो किसको करेगा रजिस्टर को मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन ओवर सिंगल बस इज क्या बोलेंगे रिडक्शन इन द नंबर ऑफ साइकिल फॉर एग्जीक्यूशन इंक्रीज इन साइज ऑफ रजिस्टर बैटर कनेक्टिविटी तो हम क्या करवाएंगे अगर आप मेन एडवांटेज की बात कर रहे हो मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन की ओवर सिंगल लाइन बस की आप जो मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एडवांटेज होंगे एज कम्पेयर टू सिंगल तो उसका जो रिडक्शन है नंबर ऑफ साइकिल एग्जीक्यूशन की भी आप या तो या मतलब एक तो आप नंबर ऑफ साइकिल लिख रहे हो पांच या सात लिख दिया आपने सिंगल बस में और वही आप जो है अगर मल्टीपल बस यूज कर रहे हो तो दो तीन में ही आपका काम काम चल गया तो वो क्या कर रहा है रिड्यूस करवा रहा है नंबर ऑफ साइकिल फॉर एग्जीक्यूशन तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आई एस स्टैंडर्ड बसेज आर यूज टू कनेक्ट किस को कनेक्ट करने के लिए यूज करती हैं रैम एंड प्रोसेसर को जीपीयू एंड प्रोसेसर को हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर को सी डी डी वी डी ड्राइव एंड प्रोसेसर को तो ये यूज की जाती है जीपी यू सॉरी हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर को तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक है इसके बाद देखो अब हम थोड़ा बस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम बस के डिजाइन को तो सिस्टम बस होता क्या है इलेक्ट्रिकली कनेक्टिंग एंड पाथ अलॉन्ग विच डेटा इज ट्रांसमिटेड इन साइड ही जो आप, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा कैसे जो है सीपीयू के अंदर ही अंदर जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा है है ना तो अंदर ही अंदर डेटा जो है डिजिटली जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है कंप्यूटर बस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पैलर कनेक्टर विच मे बी कन्वेंशनल वायर्स कॉपर ट्रैक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और माइक्रो So, scopic aluminum trail on the surface of a silicon chip. Each wire carries just one bit, so the number of wires remind the largest data word in the bus. The bus can transmit. Bus with 8 wire can carry only 8 bit, only 8 data words. Take, hence, define the device of 8 bit devices. तो क्या हो जाएगा बस कम्युनिकेशन चैनल है करेक्टरिस्टिक्स बस इज शेयर ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया को शेयर कर रही है लिमिटेशन क्या होगी ओनली वन ट्रांसमिशन मतलब एक टाइम पे एक ही जो है ट्रांसमिट करवा रहे हैं बस विच इज यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम बस ठीक है अब ये जो है आपका एक तरीके से ये डायग्राम है इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये आपकी सिस्टम बस है ये आपका सीपीयू है सीपी आपको पता है प्रोसेसर होता है फास्टेस्ट होता है सबसे और मेमोरी क्या होती है स्टोरेज स्लो स्लेव एड्रेस कंट्रोल सिग्नल्स ठीक है ये आपका इनपुट आउटपुट हो गया ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है सारे एक्सटर्नली कनेक्ट करते हो आप करते हो कि नहीं करते प्रिंटर को अलग अलग से कनेक्ट करते हो माउस को अलग से कनेक्ट करवाते हैं का, की बोर्ड को आप अलग से जो है एक वायर के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं अंदर से पहले से तो कोई फिट नहीं होता ठीक है तो एक्सटर्नली कम्युनिकेशन है वेरी स्लो है यूजअली स्लेव एड्रेस कंट्रोल सिग्नल्स ठीक है तो ये आपका सिस्टम बस है जो कि इनके बीच में सबके बीच में कनेक्ट होता है जो कि एड्रेस को डेटा को भेजने के काम आता है ठीक है सिस्टम बस कंटेन थ्री कैटेगरीज ऑफ लाइन तीन कैटेगरी की लाइन होती है इसके अंदर या तीन बसेज होती हैं सिस्टम बस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस ठीक है लाइन आए तो कंफ्यूज मत होना लाइन और बस दोनों सेम ही है ठीक है अब एड्रेस बस का काम क्या होता है ये देख लो एड्रेस बस यूज की जाती है यूज टू कैरी द एड्रेस टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट जो क्या कर रही है एड्रेस को कैरी कर रही है मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट डायरेक्शनल होती है सिंगल डायरेक्शन है ठीक है मतलब सिंगल यूनिट डायरेक्शनल अगर इस डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करिए तो इसी डायरेक्शन में करेगी बाई डायरेक्शन नहीं होगी कि भाई इस डायरेक्शन भी कर दिया और जो है इस डायरेक्शन में भी डेटा को ट्रांसफर कर दे ठीक है बेस्ड ऑन विथ ऑफ एड्रेस बस कैन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी ये, ये क्वेश्चन आया है अभी ये क्वेश्चन आपका डीएसएसबी के अंदर क्वेश्चन आया है डीएसएसबी पीजीटी के अंदर कि ये जो है किसके ऊपर बेस्ड होती है तो ये आपकी विर्थ के ऊपर बेस्ड होती है ठीक है अब एट जीरो एट फाइव में जो है आप कितनी जो है एड्रेस बसेस को यूज करते हो वो देख लो तो 8085 में 64 फोर के भी जो है बसेस इतना जो है आप यूज करवाते हो 8086 की अगर बात की जाए तो यहां पर आप यूज करते हो 1 एम को ठीक है तो ये चीज थोड़ा याद रख लेना क्या पता आ जाए डेटा लाइन डेटा लाइन यूज की जाती है डेटा को कैरी करने के लिए यूज टू कैरी द बाइनरी डेटा बिटवीन द सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शन होती है दोनों तरीके से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं इस साइड भी डेटा भेज सकते हैं और इस साइड भी डेटा को भेज सकते हैं ठीक है दोनों तरीके से डेटा आ जा सकता है बेस्ड ऑन बिट ऑफ डेटा बस वी कैन डिटरमाइन द वर्ड लेंथ यहाँ पे भी जो आपका डेटा जो बेस्ड है वो किसके ऊपर है बिट्स के ऊपर बेस्ड है ठीक है लेंथ ऑफ द सीपीयू बेस्ड ऑन द वर्ड लेंथ कैन डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू अब एट में जो है आप कितना डेटा यूज करवाते हो तो यहाँ पर यूज करते हो आप 8 बिट का डेटा ठीक है और 8086 में करते हो 16 बिट का ठीक है अब कंट्रोल लाइंस की बात की जाए तो कंट्रोल लाइन जो होती है वो यूज कैरी द कंट्रोल सिग्नल एंड टाइमिंग सिग्नल ही कैरी करते हैं कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को कंट्रोल सिग्नल्स इंडिकेट टाइप ऑफ ऑपरेशन टाइमिंग सिग्नल्स यूज टू सिग्नोलाइज द मेमरी एंड इनपुट और ऑपरेशन विद सी क्लॉक ठीक है आर आई एस सी और सी आई एस सी क्या होता है फटाफट देखो भाई बहुत सारा रहता है अभी ठीक है सौ पेजेस हैं और अभी हम बीस पच्चीस पेजेस पे ही आए हैं तो काफ़ी सारा रिवाइज है मतलब एक तरीके से रिवीजन तो हमें पूरे के पूरे सिलेबस की करनी है तो जल्दी करो Uh, सबसे पहले है और आरआईएस क्वेश्चन आता है डेफिनेट आता है मतलब एक क्वेश्चन आपको और आरआईस में से देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट एंड आर्किटेक्चर आई एस सी क्या होगा द मेन आइडिया बिहाइंड इज टू मेक हार्डवेयर सिंपलर यहां पर जो है हम हार्डवेयर को सिंपल कर रहे हैं रिड्यूस का मतलब क्या करवा रहा है मतलब रिड्यूस कर रहे हैं किसी चीज को है ना यूजिंग द इंस्ट्रक्शन सेट अ फ्यू बेसिक स्टेप फॉर लोडिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशन जस्ट लाइक अ लोड कमांड विल लोड लोड द डेटा स्टोर कमांड विल स्टोर द डेटा ठीक है क्या करवा रहे हैं भी? आप यहाँ पर इसका मेन जो मोटिव आ रहा है इसी का like like क्या होता है हार्डवेयर को सिंपल बनाना ठीक है कुछ इंस्ट्रक्शन को यूज करके लाइक बेसिक स्टेप्स है लाइक लोड करवाना स्टोर करवाना ये सब कॉम्प्लेक्स क्या होता है सीआईएससी फुल फॉर्म क्या होगी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर The main idea is that single instruction will do all loading, evaluating and storing operations just like a multiplication command will do stuff like loading data, evaluating and storing. कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये यह कॉम्प्लेक्स है भाई वो आपका थोड़ा इजी है वो रिड्यूस करवा रहा है तो वो चीज़ ईजी कर रहा है आपके लिए ये कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ होगा समझने में ठीक है तो दोनों ही ऑपरेटर्स जो है वो सीपी यू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं मेन सारा आइडिया यहाँ पर जो भी चीज आप यूज करते हो वो इसलिए यूज करते हो ताकि आप सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सको और सीपीयू को आप आइडल ना रहने तो सीपीयू को आप बिजी रखो सीपीयू को आप काम में लिए रखो ठीक है अब देखो यहाँ पे रिड्यूस द साइकिल पर इंस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम सीआईएसी क्यों सीआईसी अप्रोच द अटेंट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम यहां पर इंस्ट्रक्शन को मिनिमाइज किया जाता है यहां पर इंस्ट्रक्शन आपकी ज्यादा हो जाए लेकिन जो है इजी बनाने पर काम दिया जाता है बट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन ठीक है अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे आई एसी की आरआईसी uh, जो है सिंपल इंस्ट्रक्शन है एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग ठीक है सिंपल है इंस्ट्रक्शन सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन का अंडर साइज ऑफ वन वर्ड ठीक है इंस्ट्रक्शन टेक अ सिंगल क्लॉक साइकिल टू गेट एग्जीक्यूटेड मोर नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर सिंपल एड्रेसिंग मोड आप यूज करते हो लेस डेटा टाइप है पाइपलाइनिंग यहां पर यूज की जाती है क्वेश्चन आ जाए पाइपलाइनिंग जो है कौन से में यूज करोगे आरआईसी में सीआईसी में तो आर में पाइपलाइनिंग जो है वो अचीव होती है सीआईसी की बात की जाए तो सीआईसी कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है लार्जर देन वर्ड वन वर्ड साइज इंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी होती है वन वर्ड से यहाँ पर स्मॉलर होती है ठीक है

फर्स्ट लोड कमांड टू लोड डेटा इन रजिस्टर एंड इट विल स्टोर द रिजल्ट इन द डिजायर्ड लोकेशन ठीक है दोनों में डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस देख लो बस भाई डिफरेंस कर लो ये बस इतना ही बहुत है आर आई सी क्या करती है सॉफ्टवेयर के ऊपर सी आई सी फोकस करती है हार्डवेयर के ऊपर ये जो है इसमें हार्ड हार्डवायर कंट्रोल यूनिट की यूज, यूज की जाती है इसमें हार्ड हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूज की जाती है अब हार्ड हार्डवायर क्या होता है माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है वो हम आगे फर्दर देखेंगे डिटेल में ठीक है ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं फॉर मोर रजिस्टर यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन फिक्स साइज इंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पर वेरिएबल साइज होती है इसमें परफॉर्म कर रहा है ओनली रजिस्टर टू रजिस्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर जो है रजिस्टर रजिस्टर टू मेमरी मेमरी टू मेमरी ये सब यूज किया जाता है ठीक है मोर नंबर ऑफ रजिस्टर यूज कर रहे हो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ रजिस्टर को यूज कर रहे हो इसका कोड साइज बड़ा होगा इसका स्मॉल होगा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक्जीक्यूटिव सिंगल क्लॉक साइकिल और यहां पर जो है मोर देन क्लॉक साइकिल हम यहाँ पर यूज करते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वन वर्ड में फिट हो जाएगी यहाँ पर जो है एक वन ज्यादा जो है वो लगेगा सीआईसी की फुल फॉर्म क्या है सीआईसी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ठीक है द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एम्ड इज रिड्यूसिंग द टाइम रिड्यूसिंग टाइम कौन करवाएगा आर आई सी करवाएगा ठीक है तो उसके बाद देखो सम माइक्रो माइक्रोसिस्टम प्रोसेसर और यूजअली फॉलो आर्किटेक्चर कौन करेगा सन माइक्रोसिस्टम दैट इज आर आरआईसी प्रोसेसर हैज आर आई सी प्रोसेस हैज मोर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन दी एस सी जो आर आई सी का जो डिजाइन है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा सीएससी नहीं भाई इजी होगा है ना इजी होगा तो आंसर हो जाएगा फॉल्स फिफ्थ देखो द आइकोनिक फीचर ऑफ आर आई सी मशीन अमॉंग द फॉलोइंग

तो आपका आंसर हो जाएगा मोटरला ठीक है uh, एट देखो पाइप लाइनिंग इज यूनिक फीचर ऑफ पाइप लाइनिंग किसमें फीचर होगा आरआईसी में सीआईसी में आर आई सी होगा तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन कहाँ पर स्टोर की जाती हैं रजिस्टर में डायोड uh, में सी मोस में ट्रांजिस्टर में तो so, कहां पर स्टोर की जाएंगी ट्रांजिस्टर के अंदर ठीक है टेंथ क्वेश्चन देखो विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज इन पावर एफिशियंट तो कौन सा जो है वो पावर ऑफिशियन सी एस सी आर आई सी इज आई एस ए या आई एन ए तो कौन सा जो है पावर एफिशिएंट दैट इज आर आई एस बी आंसर जो है यहां पर सही होगा ठीक है इसी के साथ इस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब देखो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जीरो वन टू थ्री ये जो है आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एग्जाम में पूछ ले जाएंगे इंपॉर्टेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं फटाफट बता देती हूँ क्या कहां कहा, कहा से क्वेश्चन आएगा देखो कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड कंप्यूटर जो भी टास्क परफॉर्म करेगा जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे उसी के अकॉर्डिंग करेगा ठीक है इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर कंपेरिजन ऑफ ग्रुप ऑफ कॉल फील्ड जो आप यूज करते हो इंस्ट्रक्शन को यहां पर कंप्यूटर में जो कंपेरिजन ऑफ ग्रुप कॉल्स इसको क्या कहेंगे फील्ड कहेंगे दिस फील्ड कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन एज कंप्यूटर एवरीथिंग इन जीरो वन जीरो वन की फॉर्म में होगा इच फील्ड हैज डिफरेंट सिग्निफिकेन्स ऑन द बेसिस ऑफ सीपी डिसाइड वट परफॉर्म्स द मोस्ट कॉमन फील्ड आर सबसे पहले आपका ऑपरेशन ऑपरेशन तो फील्ड विथ स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू परफॉर्म लाइक एडिशन एड्रेस एड्रेस फील्ड जो है वो कंटेन करेगी लोकेशन ऑफ द ऑपरेंट जो ऑपरेशन फील्ड है वो क्या करेगी देखो तीन फील्ड होती हैं भाई यहां पर एक होता है आपका ओपरेंट एक होता है ऑप कोड एक होता है आपका जो है मोड है ना तो ऑपरेशन जो फील्ड होती है वो उसमें आप सारे के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे लाइक एडिशन सब्ट्रेक्शन प्लस माइनस ये सब ठीक है एड्रेस जो फील्ड होती है उसमें आप लोकेशन करोगे ऑपरेंट की जो ऑपरेंट है वो कहाँ पर स्टोर होगा रजिस्टर ऑन मेमोरी लोकेशन मोड फील्ड जो है स्पेसिफाई करेगी हाउ ऑपरेंट टू बी फाउंडेड आपको ओपरेंट जो है वो कैसे मिलेगा तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एड्रेस इट जनरली सीपी ऑर्गेनाइजेशन थ्री टाइप ऑफ बेसिस नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड तो ये जो तीन है ना ये इंपॉर्टेंट है सिंगल एक्यूमिनेटर ऑर्गेनाइजेशन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आप यूज करते हो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जहां पर आप एड्रेस को यूज ही नहीं करते सिंगल एक्यूमिनेटर आप यूज करते हो वन और यहां पर ये इसको यूज करते हो थ्री के अंदर ठीक है तो ये चीज याद रख लेना कौन सा कहां पर यूज होता है ठीक है जीरो एड्रेस रजिस्टर की बात की जाए तो जीरो एड्रेस में कोई भी रजिस्टर नहीं होता स्टैक की फॉर्म में हम यहाँ पर डेटा यूज करते हैं इसलिए जो स्टैक बेस्ड कंप्यूटर यहां पर यूज होता है ठीक है ठीक तो जैसे यहाँ पर तीन ये थे आ, आपके जो है न न जो वो तीन उसके अंदर डिपेंडेंट थी सीपी ऑर्गेनाइजेशन थ्री टाइप्स में डिपेंडेंट था तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज होगा आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर ठीक है हां जी तो देखो ये आपका स्टैक में जो है इस तरीके से स्टैक आपको पता है कि एक एक हीड से इंसर्शन करते हैं और एक ही एंड से डिलीशन करते हैं इंसर्ट करने को पुश कहते हैं और डिलीट करने को पॉप कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ठीक है तो स्टैक बेस्ड कंप्यूटर डू नॉट यूज एड्रेस फील्ड जो स्टैक बेस्ड कंप्यूटर होते हैं वो एड्रेस फील्ड को यूज नहीं करते टूविलेट एक्सप्रेशन फर्स्ट वी कन्वर्टेड टू इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन जब आपको जो है जब आप इविलेट करते हो जीरो एड्रेस में तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको आप पॉलिश यानी कि पोस्ट फिक्स नोटेशन में चेंज करोगे ठीक है पॉलिश नोटेशन का मतलब है पोस्ट फिक्स ठीक है तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई जब आप एक्सप्रेशन को वुलेट करने वाले हो जीरो एड्रेस में तो आप सबसे पहले उसको किस में चेंज करोगे पोस्ट फिक्स में इनफिक्स में प्रीफिक्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है तो किस में करोगे पॉलिश नोटेशन दैट इज पोस्ट फिक्स और नोटेशन इसमें क्या होता है जो आपके ऑपरेंट होते हैं ऑपरेंट जो होते हैं और जो आपके ऑपरेटर होते हैं ऑपरेटर आपके बाद में आएंगे और ऑपरेंट आपका पहले आता है ठीक है अब जैसे मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो ये देखो तो ए प्लस बी ब्राकेट इंटू सी प्लस डी

अब आप, आपने पुश किया ए को किसने पुश किया टॉप के अंदर आपने ए को पुश किया देन आपने पुश किया बी को जैसे ही प्लस आएगा दोनों के दोनों जो है बाहर आ जाएंगे और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे ठीक है पॉप हो पॉप हो जाएंगे और दोनों प्लस हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे ठीक है फिर जो है पुश किया आपने को फिर आपने को पुश किया फिर आपने ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया और फिर जो है आपने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया और लास्ट में जो है इनका सम जो है वो आपने कहां पर डाल दिया टॉप कहां पर डाल दिया एमएक्स के अंदर ठीक है क्योंकि क्वेश्चन देखो पूरी स्टेटमेंट x इज इक्वल टू तो x में आपको स्टोर डालना है ठीक है mx जो है वो आपका मेमोरी लोकेशन है जहां पे आपका डेटा जो है सारा का सारा स्टोर होगा ठीक है क्लियर है अब यहाँ पे देखो यहाँ जो आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बनी है वो कितनी बनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इंस्ट्रक्शन बनी है सभी क्या है इजी है मैंने पहले पुश को A को पुश किया बी को पुश किया देन देन मैंने ऐड करवा दिया then को पुश किया डी को पुश किया ऐड करवा दिया बहुत इजी इजी स्टेटमेंट थी लेकिन जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है अब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है आपका ऐप आप एक एड्रेस फील्ड को यूज़ करोगे तो ये तीन चीजें होती हैं या आपका ऑपर कोड हो गया या आपका ऑपरेंट हो गया या आपका मोड हो गया ऑपरेंट क्या होता है ऑपरिंट आपका डेटा होता है ठीक है ऑपरिंट क्या होता है डेटा जहां पर आपने एक्चुअल में डेटा को स्टोर किया कोड क्या होता है जहां पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है लाइक प्लस माइनस एडिशन ये जो है ये ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं ठीक है ठीके? Uh, तो ये देखो दिस इज इंप्ली इंप्लाइड अक्यूमलेटर रजिस्टर रजिस्टर क्या होता है जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करवाता है डेटा मैनिपुलेशन वन ऑपरेंट इज एक्टर एंड अदर रजिस्टर और मेमरी लोकेशन इंप्लाइड द मीनपी ऑलरेडी नो दैट नो दैट वन ऑपरेंट इज इन अक्यूमेलेटर सो देर इज नो नीड टू स्पेसिफाई इट ऑपकोड के क्या हो जाएगा ऑपकोड में क्या हो जाएगा आप एड करवा रहे हो मल्टीप्लाई करवा रहे हो डिविजन करवा रहे हो सब्टेक्शन करवा रहे हो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो कहां पर ऑपकोड के अंदर एड्रेस फील्ड में जो है आपका स्टोर डेटा जो है वो स्टोर होगा भाई ये जो आपका उप, ये जो आपका ऑपरेंट है यहाँ पर आपका डेटा जो है वो स्टोर होगा जो भी डेटा के लोकेशन है और मोड्स पे बताएगा कि एड्रेस ऑफ ऑपरेंट कि जो एड्रेस है वो ऑपरेंट का वो क्या होगा ठीक है एक्सप्रेशन है सेम एक्सप्रेशन है जो हमने पहले जीरो के लिए देखी थी ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी वन एड्रेस यूज कर रहे हैं तो हमने क्या किया लोड करवाया ए को ठीक है फिर मैंने बी को लोड करवा दिया फिर मैंने जो है स्टोर मतलब जो, जो इनका रिजल्ट था ए और बी वो कहाँ पर स्टोर करवा दिया ए सी में फिर जो है सी लोड करवाया फिर डी लोड करवाया फिर मल्टीप्लीकेशन करवा दी ठीक है और फिर स्टोर करवा दिया इनका रिजल्ट तो यहां पर आप देखो टोटल एक दो तीन चार पांच छह सात यहां पर एक इंस्ट्रक्शन आपकी कम हो गई अब टू एड्रेस में आप क्या यूज कर, कर रहे हो ठीके? दो एड्रेस को यूज करवा रहे हो ठीक है दो एड्रेस यहां पर यूज हो रहे हैं देखो यहां पर आपने आर वन और आर टू दो रजिस्टर को यूज किया और आपका मेमोरी लोकेशन क्या है M. तो आपने अगेन क्या किया आर वन ए Move करवाया R1 में में को तो R1, मतलब A जो है वो कहां पे आ गया R1 में, फिर ऐड करवा दिया आपने R1 के अंदर B को ठीक तो 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 है क्योंकि के अंदर फिर आपने मूव करवाया आर टू में बी को ठीक है तो आपका आर और फिर लास्ट में आप मल्टीप्लाई करवा दोगे किसकी आर वन और आर टू की तो टोटल तो तो हो गए कितने परफॉर्म एक दो तीन चार पांच ऑपरेशन परफॉर्म हुए किसके अंदर भाई

R1 और आर वन और आर टू को क्योंकि आर वन के अंदर आपका जो है ए प्लस बी है और आर टू में जो है वो आपका क्या है सी प्लस डी है तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगी इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा एक्स के अंदर ठीक है क्लियर है भाई तो इस तरीके से देखो भाई लास्ट में थ्री एड्रेस में आपकी तीन इंस्ट्रक्शन में काम हो गया जहां पर आठ आठ इंस्ट्रक्शन लगे थी वहां पर तीन इंस्ट्रक्शन में आपका काम हो गया ठीक है अब देखो एड्रेसिंग मोड क्या होता है इस तरीके से पूछ in like R4 hash. Hash, जहां पर भी आपको दिख जाने वो डायरेक्ट बताता है इमीडिएट मोड होता है ठीक है अब क्या होते हैं सारे एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं क्या क्या होता, क्या होता क्या है क्या एड्रेसिंग मोड और इनकी कितने कितने टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं सभी जो है डिटेल में देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले बात कर लेते हैं एड्रेसिंग मोड क्या होता है हाँ जी देखो, देखो, क्या होता है? Addressing mode वो होता है? है वो in ये तीन चीजें होती हैं जो अभी हम तक अभी तक हमने पढ़ा है क्या होता है भाई आपका एक कोड होता है एक ऑपरिंट होता है और एक का मोड होता है ठीक है तो जो लाइक हमारा जो इंस्ट्रक्शन है जो मतलब हमारा जो सोर्स ऑपरेंट जो जो आप इंस्ट्रक्शन को डिनोट करवा रहे हो वो मतलब एड्रेसिंग मोड जो है बताएगा कि कैसे जो है आपको उसको बता मतलब उसको डिनोट करना है ठीक है तो एड्रेसिंग मोड किस लिए यूज किए जाते हैं ताकि इन चीजों का हमें पता चल सके कि आपका डेटा कहाँ पर है एक्चुअली जो है वो आपका कहां पर स्टोर है किस तरीके से है तभी हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ठीक है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड ये सब यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके एक्चुअल में डेटा जो है वो कहाँ पर है ठीक है तो डेफिनेशन देखो अब इसकी डिफरेंट वे डिफरेंट वे है इन विच सोर्स ऑपरेंट इज डिनोटेड सोर्स ऑपरेंट क्या करता है डिनोट कर रहा है इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू द एड्रेसिंग मोड या फिर जनरल सब्जेक्ट स्पेसिफाइंग वेयर द ऑपरेंट आर कॉल्ड एड्रेसिंग ठीक है अब देखो ऑपरेंट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है पार्ट है इंस्ट्रक्शन का क्या पार्ट इंस्ट्रक्शन का रेफर टू मैमरी लोकेशन रेफर कर रहा है मैमरी लोकेशन को एड्रेस ऑफ सीपी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तीन चीजें होती है पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन की मेमोरी लोकेशन की रेफरेंस क्या होगी एड्रेस क्या होगा सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है अब टाइप्स क्या होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की फटाफट -पट देख लो भी सॉरी एड्रेसिंग मोड की ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा एड्रेसिंग मोड आएगा भैया ठीक है

ये यहाँ पे डेटा ये यह है यहाँ पर आया आपका ठीक है तो लाइक आर वन पे जो है आपका जो है डेटा यहाँ पर स्टोर्ड है तो ये आपका कौन बताएगा रजिस्टर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ठीक है डायरेक्ट बता देगा कि डेटा आपका कहाँ पर है ठीक है उसके बाद लाइक मूव आर वन टू आर टू ठीक है तो आर जो है हमने क्या किया आर टू मतलब आर वन आर टू को क्या करवा दिया मूव करवा दिया ठीक है इसके बाद देखो रजिस्टर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है द द द इनडायरेक्ट दैट कंटेन एड्रेसिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेंट ठीक है तो इनडायरेक्ट में जो है uh, उसके ऊपर जाएगा और फिर उसके ऊपर जाके उसको एड्रेस जो है वो कहीं और स्टोर मिलेगा द ऑपरेंट हेल्ड इन मेमोरी द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट लोकेशन इज हेल्ड इन द रजिस्टर विच इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन ऐड करवा दिया आर वन में और आर टू को तो इंस्ट्रक्शन हैज रजिस्टर हैज अ मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट ठीक है ये देखो मैंने क्या किया रजिस्टर को इफेक्टिव एड्रेस मतलब यहां पर भेजा मतलब एड्रेस अभी देखो यहां पर जो है अब आप किसी चीज को सर्च कर रहे हो यहां पर गए यहां पर जो है आपको एड्रेस मिला मतलब जो आपको डेटा चाहिए था वो नहीं मिला पर्टिकुलर जो है किसी दूसरी स्टोरेज लोकेशन पे जो है इसका डेटा जो है वो स्टोर होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ठीक है

और इन डायरेक्ट में क्या हो जाएगा कि आप इस पर जाओगे तो जो है उस लोकेशन पे डेटा ना मिलके दूसरी लोकेशन पे जो है आपको डेटा मिलेगा तो वो आपका इनडायरेक्ट मैम जो है एड्रेसिंग मोड हो जाएगा ठीक है इनडायरेक्ट में द इंस्ट्रक्शन एड्रेस स्पेसिफाइड एड्रेसिफाइडिव्रेस इस देंट लाइक आर वन थाउजेंड तो जो है जो इंस्ट्रक्शन हैज मेमोरी एड्रेस एट द लोकेशन ऑफ थाउजेंड लोकेशन जो थाउजेंड है उस पर जो है आपको डेटा मिलेगा ठीक है अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है आप एरे वगैरह के लिए इसको यूज करते हो ठीक है एरे वगैरह के लिए आप इसको यूज करते हो लाइक like आपका बेस एड्रेस हो गया वो सब यह, यहाँ पर यूज किया जाता है तो द एफेटिव एड्रेस ऑफ द सम ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर एंड ऑफसेट फील्ड इट इज सिमिलर टू रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग एक्सेप्ट एंड ऑफसेट हेल्ड इन द इंस्ट्रक्शन इज एडेड और टू रजिस्टर कंटेंट टू कंप्यूटर एड्रेस द इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज यूजली डीलिंग विद लिस्ट एंड द एरे तो स्पेशली जो है वो इसको कहां पर यूज किया जाता है एरे में एरे में आपको पता है इस तरीके से डेटा को स्टोर करवाते हैं लाइक like तो ये जो है कौन से इंडेक्स पे होगा ए जीरो पे ये ए वन पे ये A2 पे ठीक है तो बेस रजिस्टर होगा इसमें बेस रजिस्टर और प्लस जो है कौन सी कौन सी लोकेशन पे आपको जो है डेटा ढूंढना like है लाइक थ्री पे ढूंढना है टू पे ढूंढना है वन पे ढूंढना है तो वो जो है वो ऐड हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे अब देखो भाई क्वेश्चन uh, कैसे आएगा uh, यहाँ पे देखो गिवन द फॉलोइंग दी वैल्यूज वन मशीन विद विद्यूमिलेटर वर्ड जो है कंटेन कंटेन जो है 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 वो कर रहा 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 को सबसे बोल रहा है? सबसे बोल बोल पहले लोड इमीडिएट इमीडिएट तो आपका जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा इमीडिएट एड्रेस ट्वेंटी लोड किया है तो ट्वेंटी ही हो जाएगा ठीक है फिर है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि ट्वेंटी पे आपको क्या मिल रहा है फोर्टी ठीक है इनडायरेक्ट में क्या होगा कि आप पहले जो है फोर्टी पे जाओगे फोर्टी पे जो है फोर्टी के आपको एड्रेस मिलेगा और उसकी, उसकी एड्रेस पे जाके आपको डेटा मिलेगा तो फोर्टी आप फोर्टी पे गए फोर्टी सिप पे गए तो फोर्टी पे जाने के बाद आपको तो क्या मिला सिक्सटी तो इनडायरेक्ट आपका ये हो गया फिर लोड इमीडिएट थर्टी इमीडिएट क्या है तो जो जो आपने लोड करवाया वही आपका आंसर होगा तो थर्टी हो जाएगा फिर लोड डायरेक्ट थर्टी थर्टी का क्या हो जाएगा फिफ्टी डायरेक्ट करवा रहे हो थर्टी पे आपको क्या मिला फिफ्टी मिला ठीक है अब लोड इनडायरेक्ट थर्टी इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा आप जो है पहले थर्टी पे जाओगे थर्टी पे आपको फिफ्टी मिला और फिफ्टी पे आपको क्या मिलेगा 70. तो ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से आपको जो है है क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकते हैं ठीक तो यहाँ पर ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन में आया था इम्प्लाइड इमीडिएट रजिस्टर रजिस्टर इनडायरेक्ट क्या होता है देखो सबसे पहले ए ऑप्शन इंप्लाइड क्या होता है स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन तो डायरेक्ट डेफिनेशन बोल रहा है तो ए का हो जाएगा फोर फिर देखो इमीडिएट इमीडिएट में आप क्या करवा रहे हो स्पेसिफाई करवा रहे हो किसको रजिस्टर को रजिस्टर क्या बोलता है रजिस्टर uh, रजिस्टर बोल रहा है आर इन सीपीयू जो आपका कहां पर है सीपीयू के अंदर ठीक है और रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या है रजिस्टर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट मतलब एड्रेस पे जाओगे फिर आपको ऑपरेंट मिलेगा ठीक है वो आपका इनडायरेक्ट होगा ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा ए का फोर बी का थर्ड सी का वन और डी का टू ठीक है अभी हैश फोर है ये क्या बता रहा है एट द वैल्यू ऑफ फोर्टी फाइव टू द एड्रेस वन एंड स्टोर द फोर्टी फाइव के स्टोर फोर्टी फाइव में स्टोर होगा नहीं भी कहाँ पे स्टोर होगा आर वन के अंदर ठीक है तो एड वैल्यू करेंगे आर वन और फोर्टी फाइव को एड करेंगे और स्टोर करवा देंगे आर वन के अंदर ठीक है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो इन केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड ऑपरेंट आर स्टोर्ड इन जीरो एड्रेस में कहाँ पे स्टोर होता है अभी पुश डाउन स्टैक में स्टोर होता है

तो फाइव क्या है आपकी लोकेशन है और आर वन आपको क्या बता रहा है बेस रजिस्टर तो ये आपका एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली द देंट मतलब मोड कौन सा होगा जो डायरेक्टली स्पेसिफाई कर रहा है ऑपरेंट वैल्यू को तो आपका क्या हो जाएगा देखो ने डैश एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सिक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिलेटिव इसके बाद देखो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इनपुट आउटपुट क्या होते हैं आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं लाइक like इनपुट देते हो आउटपुट लेते हो तो आप क्या होते हो जाएंगे इनपुट आउटपुट जिसको आप पेरिफेरल डिवाइसेज भी कहते हो तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल कनेक्टेड टू इट द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड एन अफक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल सिस्टम एंड द आउटसाइड एनवायरमेंट तो यहाँ पर जो है आपके घर में बात करूँ मोस्ट कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हो जाएंगे मॉनिटर कीबोर्ड माउस और प्रिंटर नाइनेटी टेप ये सब क्या है यह सब आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है डिवाइस आर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर आर सेट टू कनेक्टेड ऑनलाइन जो डिवाइस जो होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है कंप्यूटर उसको आप कनेक्टेड ऑनलाइन कोगे इनपुट आउटपुट सब सिस्टम ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड एन अफिशियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखो भाई इनपुट आउटपुट को भी तो आप जब अपने सीपीयू से कनेक्ट करवाओगे बिना इंटरफेस के आप कैसे काम करोगे नहीं कर सकते ना तो इंटरफेस तो करवाना जरूरी है तो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल सिस्टम ऑफ द आउटसाइड हैंडल द ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ठीक है नेक्स्ट देखो इनपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस किसको क्या क्या पेरिफेरल डिवाइसेस कहेंगे दिस डिवाइसेस आर रीड इन्फॉर्मेशन इन टू और आउट ऑफ द मेमरी यूनिट अपॉन कमांड फ्रॉम सीपी एंड दंसिडर टू बी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दिस डिवाइस आर कॉल्ड पेरिफ्रल ठीक है हम इसको क्या कहेंगे पेरिफ्रल कहेंगे एग्जाम्पल क्या होगा की बोर्ड डिस्प्ले यूनिट प्रिंटर एंड कॉमन पेरिफरल डिवाइसेज ठीक है तो तीन तरीके के आपके जो है डिवाइसेज होते हैं इनपुट आउटपुट और आपका इनपुट आउटपुट पेरिफर तो इनपुट में आपके सारे इनपुट आ जाएंगे लाइक की बोर्ड माउस ये सब ठीक है आउटपुट में क्या हो जाएगा प्रिंटर मॉनिटर जो है आपके आउटपुट आ जाएंगे इनपुट आउटपुट जो है आपका मिक्स हो जाएगा अलाव बोथ इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से ठीक है लाइक like आपकी टच स्क्रीन वगैरह क्लियर है भाई उसी से आप इनपुट दोगे आउटपुट मिल जाएगी इसके बाद इंटरफेसेस देखो मतलब जब आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सीपीयू से इंटरफेस करवाओगे तो आप जो है दो तरीकों से इंटरफेस करवा सकते हैं मतलब दो दो टू टाइप्स होती हैं इंटरफेस की तो इंटरफेस क्या होता है आपका पहले वो देखो इंटरफेस इज शेयर्ड बाउंड्री बिटवीन टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी यूज टू अटैच टू और मोर कम्पोनेट टू दिस्टम फॉर कम्युनिकेशन पर्पज ठीक है सबसे पहले अगर टू टाइप्स लाइक सीपीओ इंटरफेस और इनपुट आउटपुट इंटरफेस तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस में क्या होगा इनपुट आउटपुट इंटरफेस पेरिफेरल जो कनेक्ट होते हैं वो नीड स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन इंटरफेसिंग विद सीपीयू तो यहाँ पर आप एग्जांपल से देख सकते हो ये आपका प्रोसेसर है ये आपका इंटरफेस है तो ये जो है ये आपके क्या है ये किसके साथ इंटरफेस कर रही है आपके सारे के सारे इनपुट आउटपुट इंटरफेस हैं ठीक है ठीके? क्या है इनपुट इनपुट आउटपुट इंटरफेस ये आपके क्या है सिस्टम बस ठीक है सिस्टम बस तीन तरीके की होती है डेटा कंट्रोल और एड्रेस ठीक है अब ये जो है आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं जो किस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है क्लियर है भाई तो मोड ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर तीन तरीके से हम जो इनपुट आउटपुट में डेटा को ट्रांसफर करवा सकते हैं पहला है आपका प्रोग्राम सेकंड है आपका इंटरप्ट इनिशिएटेड थर्ड है आपका डीएमए ठीक है तो देखो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या होता है इन दिस मोड डेटा ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन इज द रिजल्ट इन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इच डेटा ट्रांसफर इज इनिशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम नॉर्मली द ट्रांसफर इन फॉर्म सीपी रजिस्टर टू और वाइस वर्सा ठीक है तो प्रोग्राम में जो है बहुत ईजी मेथड है सबसे ईजी है यहाँ पे जो है डेटा आप नॉर्मली जो है डेटा को ट्रांसफर करते हैं वंस द डेटा इज इनिशिएटेड इनिशिए सीप्यू स्टार्ट मॉनिटरिंग द इंटरफेस टू सी वेन एक्स ट्रांसफर कैन मेड ठीक है द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम कीप क्लोज टैब ऑन एवरीथिंग टेक प्लेस इन द इंटरफेस यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज ठीक है इस तरीके से होता है हाँ जी तो यहाँ पे हम तीन तरीके से करवाते हैं सबसे पहले देखो स्टेटस रजिस्टर को रीड करेंगे जो आपका स्टेटस रजिस्टर है उसको आप रीड करोगे

इसके बाद देखो ये आपका इंटरफेस है ये डेटा रजिस्टर को फिर आप फ्लैग को चेक करोगे रीड करवाओगे किसमें भाई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के अंदर ठीक है क्लियर है अब देखो ये जो है सबसे पहले आपने क्या किया सीपीयू को जो है इशू किया राइट कमांड को फिर जो है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को इन्फॉर्म किया अगर स्टेटस आपका रेडी है तो आपका जो है आगे रीड हो जाएगा सीपीयू में आप रीड कर दोगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को राइट करवा दोगे मेमोरी के अंदर अगर आप रीड कर रहे हैं मेमोरी में तो राइट करवाओगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में अगर आप राइट कर रहे हैं मेमोरी uh, में और फिर रीड करोगे इनपुट आउटपुट से ठीक है तो ये चीज ये स्टेप्स हैं आपके बेसिक्स ड्रॉबैक क्या होती है इसके अंदर मेन मेन प्रॉब्लम क्या होती है इसके अंदर मेन प्रॉब्लम होती है भाई जो आपका इन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड द सी पी ओ स्टेट द प्रोग्राम लूप जो सीपीओ जो है वो आपका लूप में चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीओ जो है वो आपका आइडल रहता है एंड टिल द इनपुट आउटपुट इंडिकेट दैट इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर जब आपका इनपुट आउटपुट इंडिकेट करेगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्योंकि आपका जो सी पी ओ है वो ज्यादातर आइडल है वो बिना किसी काम के हमने बिजी करके रखा है और हम चाहते हैं कि सीपीओ आपका स्पीड के सीपीओ की जो स्पीड है वो फास्ट और सीपीओ आपका आइडल नहीं होना चाहिए ठीक है तो बिकॉज इट इज के प्रोसेस बिजी नीडलेसली बिना किसी काम के बिजी है दैट्स वाई जो है वो आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में मेन डिसएडवांटेज यही है और ये डिसएडवांटेज हम रिमूव करवाते हैं इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट के अंदर दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट इन दिस वैन द इंटरफेस डिटरमाइन द प्रिंसिपल इट इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर इट जनरेट एन इंटरप्ट आफ्टर रिसीविंग द इंटरप्ट सिग्नल द सीपी स्टॉप द टास्क विच इज प्रोसेसिंग एंड सर्विस द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर देन रिटर्न बैक टू द प्रीवियस प्रोसेसिंग हाँ का आउटपुट डिवाइसेस को चाहिए होता है तो आपको जो है जनरेट हो जाएगा तो सीपीयू अपना काम छोड़ देगा सीपीयू दूसरे काम में बिजी हो जाएगा वो आपका इस तरीके से जो है सीपीयू आपका कहना कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है आपका आइडल नहीं रहता है ना ही बिना किसी काम के बिजी रहेगा

हट जाता है डीएमए जो है सीपीयू का काम यहाँ पर करता है तो यहाँ पर हम सीपीयू को रिमूव करवा देते हैं एंड लेटिंग परिफ्रल डिवाइसेज मैनेज द मेमरी बसेस तो जो सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने का काम कौन करता है अभी मेमोरी बसेस के थ्रू जो जा, कर, कर, करवाया जाता है इंप्रूव द स्पीड ऑफ ट्रांसफर दिस टेक्निक इज नोन है जिस टेक्निक को हम डायरेक्ट मेमरी असेस कहते हैं ठीक है इन दिस इंटरफेस ट्रांसफर डेटा टू फ्रॉम मेमरी थ्रू मेमरी बस डीएमए कंट्रोलर मैनेज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन पैरिफ्र एंड मेमरी यूनिट मैनी हार्डवेयर सिस्टम यूज डीएमए सच एज डिस्क ड्राइव कंट्रोलर ग्राफिक गार्ड नेटवर्क कार्ड साउंड कार्ड इट इज ऑल्सो यूज फॉर इंट्रा चिप डेटा ट्रांसफर इन मल्टीकोर प्रोसेसर डीएमए सी यू वु इनिशिएट द ट्रांसफर टू टू डू अदर ऑपरेशन वाइल द ट्रांसफर इज इन प्रोग्रेस एंड रिसीव एंड इंटरप्ट फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर ठीक है तो डीएमए कंट्रोल जो है इसको कंट्रोल करता है अब यहाँ पर देखो भाई ये आपका जो है डीएमए रिक्वेस्ट है ये एड्रेस लाइन है ये ये डेटा 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 है है आपका जो काउंट एड्रेस रजिस्टर कंट्रोल लॉजिक ये सब आपको पता ही है अब देखो सीपीयू में जो है दो तरीके से हम सीपीयू uh, में भी प्लेस्ड आइडल स्टेट इफ अ वेराइटी ऑफ वेज ठीक है तो यूज माइक्रोप्रोसेस डिसेबल द बसेस थ्रो द स्पेशल कंट्रोल सिग्नल्स दो सिग्नल्स हम यूज करते हैं जब आपको बसेस को डिसेबल करना हो लाइक बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट

यूजल सर्किट फॉर इंटरफेस कम्युनिकेट विद सीपी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब एक तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है एड्रेस रजिस्टर वर्ड काउंट रजिस्टर कंट्रोल रजिस्टर ये सब कहा हम कहाँ पर यूज करते हैं भाई इसके अंदर यूज कर रहे हैं एड्रेस रजिस्टर जो है वो आपका कंटेन करता है एड्रेस स्पेसिफाई द डिजायर्ड मेमरी लोकेशन मतलब जो आपकी डिजायर्ड मेमरी लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है वर्ड काउंट में जो है आप होल्ड द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी ट्रांसफर ठीक है द रजिस्टर इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाई वन आफ्टर इच वर्ड ट्रांसफर एंड टेस्टेड जीरो आपका कंट्रोल रजिस्टर स्पेसिफाई द मोड ऑफ ठीक है मोड ऑफ ट्रांसफर तो ये हो गया आपका ये पूरा आपका डायग्राम है किसका भाई डीएमए कंट्रोलर का ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस हैं भाई इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं फटाफट देखो सबसे पहला इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर कॉल जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर से कनेक्टेड होते तो उसको क्या कहेंगे पेरिफरल डिवाइसेस कहेंगे कौन क्या कहेंगे पैरिफल डिवाइस हाउ मेनी मोड्स ऑफ इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर कितने मोड में डेटा को ट्रांसफर कर, कर सकते हैं दैट इज थ्री प्रोग्राम इंटरप्ट और डीएमए की बोर्ड और माउस क्या होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेज हैं द मैथड विच ऑफर हाईएस्ट स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर दैट इज इंटरप्ट मेमरी प्रोग्राम या डीएमए हाइएस्ट स्पीड में कौन करेगा डीएमए नाइन देखो द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट डीएमए डीएमए में कौन सा ट्रू है डीएमए इज अप्रोच फॉर परफॉर्मिंग डेटा स्ट्रक्चर इन ब्लग बल्क इन बिटवीन मेमरी एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज

इंटरप्ट को जनरेट करवा देगा किसको जनरेट करवाएगा इंटरप्ट को ठीक है अब देखो प्रायोरिटी इंटरप्ट तो प्रायोरिटी में जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको जो है हम पहले काम करवा देंगे उसका तो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं आपका हार्डवेयर इंटरप्ट और होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो हार्डवेयर इंटरप्ट जो होता है वो आपको आप उसको एक्सटर्नल इंटरप्ट भी कहते हो क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू आपके कंप्यूटर में लाइक पेन ड्राइव के थ्रू आ गया ठीक है तो इसलिए आप उसको हार्डवेयर इंटरप्ट भी कहते हो

तो यहाँ पर डिले हो जाएगा क्योंकि हाई प्रायोरिटी की जो है प्रोसेस आ जाती है जिसकी वजह से इंटरप्ट हो जाता है नॉन नॉर्मासबल द हार्डवेयर इंटरप्ट विच नॉट बी डिलेड एंड शुड बी प्रोसेस्ड ऑन द प्रोसेसर इमीडिएटली इसमें कोई डिले नहीं होता तो उसमें डिले हो जाता है क्यों क्योंकि उसमें तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है ठीक है अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो इंटरनली जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में आता है लाइक आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में जो है इंटरप्ट दिस दिस इंटरप्ट दैट इज कॉल्ड बाई एनी इंटरनल सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नॉर्मल इंटरप्ट

कि मतलब सीपी का जो असेस्ट टाइम है सबसे फास्टली जो असस्स करते हैं रजिस्टर को सबसे फास्ट हम असेस करवा पाते हैं ठीक है फिर आती है आपकी कैश मेमोरी फिर आती है आपकी मेन मेमोरी फिर आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क और सबसे लास्ट में आती है आपकी मैग्नेटिक टेप जिसको आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हो और मेन मेमोरी को आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हो और इसको आप सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हो ठीक है तो बात करें इसका जो साइज़ है अगर ये वाला जो है अगर मैं इसको कर दूं ये जो है आपका इंक्रीजिंग साइज़ है सबसे कम साइज होगा रजिस्टर का फिर कैश मेमोरी का फिर आपके मेन मेमोरी और सबसे बड़ा साइज होता है आपका मैग्नेटिक टेप का ठीक है टेप वगैरह में आप अपना जो है हार्ड डिस्क में जो है अपना डेटा भी जो है वो रखते हो ना कंप्यूटर का लैपटॉप वगैरह का तो वही ठीक है तो अगर मैं बात करूं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा आपके साइज़ का ये आपका एसेस टाइम का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि जिसका जितना ज्यादा टाइम होगा उतना उस, उसका उतना साइज जो है वो कम होगा ठीक है क्लियर है तो सबसे पहले ये याद रखो रजिस्टर सबसे फास्ट जो है वो करते हैं डेटा को फिर कैश मेमोरी फिर मेन मेमोरी फिर मैग्नेटिक और फिर आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिका ठीक है फिर है टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर कैन बी विजुअलाइज्ड बाय हेरारकी ऑफ कंपोनेंट द मेमोरी मैमरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज डिवाइसेस कंटेन इन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द स्लो एक्सिलरी मेमोरी टू फास्ट मेन स्मॉलर कैश मेमोरी ठीक है अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई ऑग्जिलरी मेमोरी का जो एसेस टाइम है वो जनरली वन थाउजेंड टाइम जो है वो मेन मेमोरी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है क्योंकि ऑग्जलरी मेमोरी को असेस करने में इतना ज्यादा टाइम जो है वो लगता है एज कंपेयर टू मेन मेमरी ठीक है इसलिए जो ये आपकी हरार की जो है वो कांपर होती है बॉटम में होती है मेन मेमोरी ओके पाई द सेंट्रल पोजिशन मेन मेमोरी आपकी बीच में होती है इन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली द सी तो डायरेक्टली जो है कौन कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ आपकी जो मेन मेमोरी है वो डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट करती है सीपीयू से विद ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ठीक है व्हेन द प्रोसेस नॉट रिजाइडिंग इन मेमरी अगर आपका प्रोग्राम जो है वो मेन मेमरी में नहीं है नीडेड बाय द सीपीयू पी यू दे थोड बाई ऑक्जरी मेमरी तो ऑक्जरी मेमरी के पास जाएंगे और फिर जो है आपका सेकेंडरी मेमरी से मेन मेमरी में डेटा को भेजा जाता है ठीक है अब देखो मेमरी टू प्रोवाइड स्पेस स्पेस इन मेन मेमरी ऑफ अदर प्रोग्राम एंड करेंटली इन यूज़ तो आपका देखो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी का जो टाइम है क्योंकि मैंने कहा कैश मेमोरी और ज्यादा फास्ट होती है मेन मेमोरी से तो एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी और कैश मेमोरी कैश मेमोरी जो है वो टेंथ टाइम जो है वो फास्टर होती है किससे मेन मेमोरी से ठीक तो है तो अब देखो ये आपकी मैग्नेटिक टेप है ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क है और यहाँ पर आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर रखे हैं जिससे भी हमने इनपुट आउटपुट देखे ये तो आपका सीपीयू हो गया सीपीयू जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है किससे भाई आपका मेन मेमोरी से ठीक है मेन मेमोरी से डायरेक्ट क्या है कनेक्टेड है इस तरीके से या आपकी क्या है कैश मेमोरी है ठीक है क्लियर है अभी किस तरीके से कौन कनेक्टेड है तो सीपीयू जो है डायरेक्ट कनेक्ट करता है किससे मेन मेमोरी से कैश मेमोरी से. से भी करता है जो डेटा हमें जो है मेन मेमोरी में मिल जाता है और कैश में नहीं मिलता तो जो है उसकी कॉपी जो है बाद में कहां पर एक कॉपी जो है कैश मेमोरी में भी स्टोर हो जाती है अगर ताकि नेक्स्ट टाइम जो एसपी को वही डेटा एसेस करना हो तो कैश में से कर ले क्योंकि कैश में और फास्ट जो वो डेटा को एक्सेस कर पाता है ठीक है ये देखो एक्सपेंसिव कोस्ट और चिप तो जो देखो जो आपके रजिस्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं भी, वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं आ, उनको उनका जो जो टाइम है एसेस करने का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी ठीक है रैम जो है वो एज़ कम्पेयर टू कम होगी डिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा स्लो होती हैं लेकिन बात की जाए डिस्क जो है वो एक्सपेंसिव होती है एक्सपेंसिव नहीं होती ठीक है क्योंकि क्योंकि वो मतलब सस्ती मिल जाती है लेकिन उनको साइज़ भी बड़ा मिल जाता है लेकिन अगर रैम की बात करें तो रैम का जो साइज़ है वो कम मिलेगा और आपको जो है महंगी मिलती है ठीक है तो वही बात है तो इनका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा इसका साइज़ कम होगा इसका साइज सबसे कम होगा ठीक है की बात की जाए इसका इसका साइज सबसे ज़्यादा है फिर, फिर ये फिर ये ठीक है और ऐसे इनके प्राइस की भी बात होती है ठीक है तो अब देखो देखो ये जो मेन मामरी है ना मेन मामरी को डिस्कस करने से पहले ये देखो मेन मामरी को इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से हम एड्रेसेस में डिवाइड करते हैं और ये जो पूरा ये जो पूरा जो है डेटा जो हमने पहले भी देखा था इस तरीके से पूरी इसको जो आपकी लेंथ होती है उसको आप जीरो और वन के फॉर्म में इस तरीके से डेटा को करते हैं ठीक है ठीके? और ये नंबर ऑफ जो बिट्स होती है जो ग्रुप होता है बिट का वो आपका क्या कहलाता है वर्ड लेंथ कहलाता है क्या कहलाता है वर्ड लेंथ कहलाता है ठीक है तो ये चीज याद रख लेना यहां से क्वेश्चन आ जाता है भाई तो मेन मेमोरी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल ये जो है ये, ये जो पर्टिकुलर एक सिंगल है इसको आप क्या कहोगे एक सेल है क्या है ये एक सेल है ठीक है बहुत सारी सेल होती हैं तो वो जीरो या वन को जो है वो किसमें so, uh, uh, so, होता है, वो किस में होता है? Group, uh, में हम डेटा को ट्रांसफर करवाते हैं एड्रेस फॉर इचस डिट एड्रेसोटेड विद इच वर्ड लोकेशन इन मैमरी

तो रैंडम असेस जो है कई बार क्वेश्चन आता है रैंडमली हम किसको असेस करते हैं तो रैंडम असेस लाइक आपकी जो मेन मेमोरी होती है उसमें उसको हम रैंडम असेस करते हैं तो मेन मेमोरी आर रैंडम असेस मेमोरीज इन विच इच मेमोरी लोकेशन हैज अ यूनिक एड्रेस यूजिंग द यूनिक एड्रेस एनी लोकेशन लोकेशन रिच बाई द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन एनी ऑर्डर तो ये आपका मेन मेमोरी होता है तो क्वेश्चन आ जाए रैंडम असेस जो है वो कौन सी मेमोरी यूज करेगी तो मेन मेमोरी

तो ये मैग्नेटिक टिक टिक जो सॉरी मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो डायरेक्ट असेस जो है वो करती है ठीक इस right है इसमें रीड राइट हेड होते हैं आपका जो है सीक टाइम रोटेशनल टाइम होता है जो कि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ तो आपका होमवर्क है पर आपको सीक टाइम और रोटेशनल टाइम की जो डेफिनेशन है वो कमेंट सेक्शन में बतानी है ठीक है अब मैं मेन मेमोरी की बात करूं तो मेन मेमोरी आपकी क्या होती है मेन मेमोरी जो है Uh, जो डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट करती है आपके सीपीयू से ठीक है और ऑक्सिलरी मेमोरी और कैश मेमोरी सभी से जो है ये जो है कनेक्टेड होती है जो आपका मेन मेमोरी होती है कैश से भी कनेक्टेड होती है सेकेंडरी मेमोरी से भी कनेक्टेड होती है आपकी सीपीयू से भी कनेक्ट होती है ठीक है तो मेन मेमोरी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो एक होता है आपका रैम दैट इज रैंडम असल मेमोरी और एक होता है आपका रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी तो रैम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो दैट इज स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम रोम को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी

तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक डायनेमिक रैम जो होते हैं मेड ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर से बनी होती है ट्रांजिस्टर रिफ्रेश मतलब इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ठीक है टेन टू हंड्रेड एमएस इसको रिफ्रेश करने में लग जाता है स्लोअर होती है चीपर स्टैटिक रैम स्टैटिक रैम से स्लो होती है ठीक है तो स्टैटिक रैम को आप कैश मेमोरी में रखते हो ठीक है कैश स्टैटिक मैम जो है आपकी कैश में होती है ये आपकी जो है रैम के अंदर होती है दैट्स वाई जो स्टैटिक रैम है वो आपकी ज्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू डी रैम ठीक है और जो आपके ये जो है ये आपकी कैपेसिटर से बनी होती है डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम जो है वो आपकी डी, 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 डी फ्लिप फ्लॉप हम इसके अंदर यूज करते हैं इसमें जो है रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड क्योंकि कैपेसिटर्स है और आप कैपेसिटर्स में आपको पता है इस तरीके से चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको चार्ज करने की रिचार्ज करने की जरूरत है मिली सेकेंड टू में डेटा डेटा को मेंटेन करने के लिए लेकिन इसमें जो है आपको कंटेंट को होल्ड करने रखना है ओलोंग एज पावर इज अवेलेबल पावर की बात आती है ठीक है ये इन एक्सपेंसिव है ये आपकी ज्यादा एक्सपेंसिव है इसकी स्पीड कम होती है इसकी ज्यादा होती है कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप यहाँ पर डेटा को ज्यादा स्टोर करवाते हैं यहां पर जो है ज्यादा बिट्स को हम जो है चिप के अंदर स्टोर नहीं करवा पाते इसकी लेस पावर होती है इसकी मोर पावर होती है ये जनरेट लेस बिट हिट ये मोर हिट यहाँ ये मेन मेमोरी में यूज होती है या की कैशे में यूज होती है Obviously, cache में यूज हो रही है तो वो ज्यादा फास्ट होगी होगी ठीक है ज्यादा फास्ट है तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे उसके ठीक है कॉस्ट भी ज्यादा होगी अब देखो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम का डिफरेंस क्लियर है देखो रोम रोम जो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है मोर लाइक परमानेंट स्टोरेज है ठीक है और बुट स्टेप प्रोग्राम जो है वो लोड किए जाते हैं कहां पर भाई रोम के अंदर तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप बुट स्टेप प्रोग्राम को लोड करवाते हो तो कहां पर होते हैं तो आपके रोम में होंगे तो स्टोरेज क्रुशियल इन्फॉर्मेशन इज असेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम लाइक द प्रोग्राम असेंशियल टू बुट द कंप्यूटर इट इज नॉट वॉलेटाइल वॉलेटाइल नहीं होता ऑलवेज डेटा को रिटेन करेगा यूज इन एम्बेड सिस्टम

इट री री प्रोग्राम इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा पूरे पूरे प्रीवियस डेटा को रीरेज किया जाता है ठीक है डबल ई प्रॉम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रील ओनली मामडी दैट इज अगर मैं कहूँ कि द डेटा कैन बी इरेज्ड बाई अपलाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नो नीड ऑफ अल्ट्रा वोलेट यहाँ पर अल्ट्रा वोलेट की जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रिक फील्ड से हम डेटा को इरेज कर देते हैं वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप जो भी आपको करना है वही आप कर सकते हो ठीक है तो क्वेश्चन आ जाए डेटा को रेस करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है तो ई e प्रॉम में आ, अल्ट्रा वॉलेट का और डबल ई प्रॉम में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो रैम और रोम में डिफरेंस देखो रैम जो है वो टेम्पररी है या आपका परमानेंट है यहां पर स्टोर किया जाता है डेटा एमबी की फॉर्म में रोम में जीबी की फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है ये आपका वॉलेटाइल है या आपका नॉन वॉलेटाइल है ये आपका नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करता है यहाँ पर आप स्टार्टअप ऑपरेशन पर प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर यूज करते हैं लाइक बुस्टर प्रोग्राम ये राइटिंग डेटाइन ये जो है फास्ट होता है या आपका स्लो होता है ठीक है अब देखो सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है डिवाइस दैट इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी फॉर एग्जांपल लाइक मैग्नेटिक डिस्क टेप कॉमनली यूज फॉर ऑक्सिलरी डिवाइसेस अदर डिवाइस यूज्ड इन ऑक्सिलरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक डम मैग्नेटिक बबल मेमोरी ऑफ एंड द ऑप्टिकल डिस्क इट इज नॉट डायरेक्टली असेसेबल टू द सीपीयू एंड द असेस्ड यूजिंग द इनपुट आउटपुट चैनल्स ठीक है अब देखो कैशे मेमोरी कैशे मेमोरी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देख लो भी ज़्यादा हम डीप में नहीं देखेंगे देखो कैशे मेमोरी हाँ कैश मेमोरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना पड़ेगा तो वेन एवर सीपीयू नीड्स टू एस मेमोरी जब आपको सीपीयू को जो है नीड है एस मेमोरी की चेक द कैश मेमोरी सबसे पहले वो कैश मेमोरी में चेक करेगा कैश में उसको डेटा नहीं मिलता तो वो आपका मेन में जाएगा जब मेन में जाएगा तो वहां से जो डेटा को लेगा और जो उसका एक जो कॉपी है वो कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा कैश में ताकि नेक्स्ट टाइम जो है Uh, उसको अगर डेटा लेना हो तो कैश में से ही डायरेक्ट उठा ले ठीक है कैश मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम ऑब्वियसली भाई फास्ट है टाइम ज्यादा मतलब जल्दी जा, वो एसेस कर लेगा तो भाई रिड्यूस करवाएगा एवरेज टाइम को डेटा ऑफ मेन मेमोरी कैश इज स्मॉलर एंड फास्टर साइज स्मॉल होता है लेकिन फास्ट होती है स्टोर कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रीक्वेंटली मेन मेमोरी लोकेशन देयर आर वेरियस डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैश इन द सीपीयू वेयर डेटा इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड ठीक है देखो ये सीपीयू है ये कैश मेमोरी है आपकी मेन मेमोरी है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ये आपका सीपीयू हो गया ये आपकी कैश मेमोरी होगी आपकी मेन मेमोरी होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी ठीक है तो ये जो है बीच में मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में आपका कौन होता है कैश मेमोरी होता है ठीक है तो यहाँ से आप एक चीज देखना बहुत ध्यान से समझना इस चीज को देखो जब आप सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी का आपस में मैपिंग करवाते हो दोनों को क्योंकि जब आपको डेटा यहाँ नहीं मिलता तो आप यहाँ पे जाते हो तो यहां से डेटा यहां उठा लाते हो ठीक है फिर यहां से यहां डेटा भेजते हो तो मतलब जब इनकी हम मैपिंग करवाते हैं तो हम किससे करवाएंगे पेजिंग की हेल्प से ठीक है जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग पढ़ा है तो पेजिंग की हेल्प से हम इसकी मैपिंग करवाते हैं अगर सेम चीज हम यहाँ पर बात करें जब आप प्राइमरी और कैश मेमोरी में जब आप इंटरफेस करते हो दोनों की मैपिंग करवाते हो तो उसको आप क्या कहते हो कैश मैपिंग जो भी हम देखेंगे तीन मैथड होते हैं कैश मैपिंग के तीन तरीके से आप मैपिंग करवाते हो तो कैश मैपिंग हम उसको कहते हैं ठीक है ठीके? आगे देखो डेटा ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो जब डेटा आप जो है कैश और मेन मेमोरी के बीच में जब डेटा ट्रांसफर करोगे तो उसको ब्लॉक कहते हैं क्या कहेंगे ब्लॉक कहेंगे अब जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे कैश और सीपीयू के बीच में तो आप उसको वर्ड्स कहते हो ठीक है जब इनके बीच में डेटा ट्रांसफर होगा तो उसका नाम कहलाएगा वर्ड इनके बीच में होगा उसको कहो गया ब्लॉक ठीक है तो ये चीज थोड़ी याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो वट इज एक्स एंड प्राइस एंड कैश इज ऑपरेट बिटवीन टेन टू हंड्रेड टाइम फास्टर देन रैम तो रैम से जो है वो टेन टू हंड्रेड टाइम फास्ट होती है और आपका सेकेंडरी मेमरी जो है वो टेन टू वन थाउजेंड टाइम जो है स्लो होती है टू रैम ठीक है द नेम ऑफ एक्चुअल हार्डवेयर इज यूज द कैश एर मेमरी और आपको पता है एस रैम और डी रैम हम कहां यूज करते हैं हम भी ये भी देख चुके हैं ठीक है टाइप ऑफ कैश मेमोरी तीन तरीके की आपकी कैश मेमोरी होती है एलेवन कैश एक होती है एल टू एक होती है आपकी एल थ्री है ठीक है एलवन कैश की अगर बात करूँ तो एलवन कैश जो है वो आपकी प्राइमरी कैश है और एक्सट्रीमली फास्ट ये सबसे ऊपर होती है बहुत फास्ट होती है और साइज भी बहुत कम होता है ठीक है L2 जो है एज कम्पेयर टू L1 जो है वो ज्यादा इतनी फास्ट नहीं होती लेकिन इसका साइज जो है वो बड़ा होता है ठीक है और L3 जो है इन, इस ये जो है सबसे कम अस टाइम होता है और जो साइज है वो तीनों दोनों में सबसे ज्यादा होता है ठीक है तो डायनामिक रैम जो है वो एल में हम यूज करवाते हैं ठीक है हिट रेशो अब हिट रेशो यहां से क्वेश्चन आ जाता है द द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफ कैश इन टर्म हिट हिट ठीक है है फॉर्म में जो हम इसको मेजर इसको करते हैं सीपी रेफर टू मेमरी एंड फाइंड द वर्ड इन कैश से तो CPU, जो है वो रेफर कर रहा है मेमरी को और उसको डेटा जो है वो कैश में मिल गया तो आप बोलोगे कि हिट हो गया नहीं मिला तो आप बोलोगे मिस हो गया ठीक है तो हिट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा हिट अपॉन में हिट प्लस में मिस क्या बोलोगे हिट अपॉन में

जी तो इसके तीन मेथड होते हैं जब कैश मैपिंग कैश मैपिंग करवाते हो तो इसके कितने तीन तीन मेथड होंगे ठीक है तो जब आप मेन मेमोरी और कैश की जो मैपिंग करवाओगे तो उसको आप क्या कहते हो कैश मैपिंग कहते हो ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो और जब यहाँ पे जब आप डेटा भेजते हो तो इसको क्या कहते हो ब्लॉक्स में ठीक है जब मेन मेमोरी से डेटा भेजोगे तो किस में भेजते हो ब्लॉक्स के अंदर ठीक है तो यहाँ पर जो डेटा आएगा वो ब्लॉक्स के अंदर फॉर्म में आएगा और यहां से यहां पे जब वो डेटा जाएगा आपका मेन सीपी के पास तो वो आपका किस में आता है वर्ड्स में ठीक है और जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा आता है आप उसको क्या कहते हो पेजेस कहते हो ठीक है पेजिंग मैंने आपको बताया और ये जो मैपिंग कहलाती है वो आपकी वर्चुअल जो है वर्चुअल मेमोरी मैपिंग कहलाती है ठीक है तो ये चीज याद रख लेना ओके okay. अब देखो फटाफट देखो पहला है आपका एसोसिएटिव मैपिंग सेकेंड है आपका डायरेक्ट मैपिंग फिर आपका सेट एसोसिएटिव मैपिंग डायरेक्ट मैपिंग की अगर बात की जाए तो सिंपलेस्ट टेक्निक नोन एज डायरेक्ट मैपिंग सिंपलेस्ट टेक्निक है मैप इज ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इनटू ओनली वन पॉसिबल लाइन इन डायरेक्ट मेमोरी असाइन इच मेमोरी ब्लॉक और स्पेसिफिक लाइन इन द कैश इन लाइन इज प्रीवियसली टेकन बाय द मेमोरी ब्लॉक व्हेन अ न्यू स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स इंडेक्स फील्ड और टैग फील्ड ठीक है दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं कैशेज स्टोर्ड इन द टैग फील्ड जो कैश है वो कहां पर स्टोर की जाती है टैग फील्ड के अंदर वेर इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ठीक है बाकी जो है आपका मेन मेमोरी में लाइक टैग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया टैग और लाइन ऑफसेट ठीक है और ये जो है मेन मेमोरी डिवाइड हुई आपकी टैग और वर्ड ऑफसेट में ठीक है इस तरीके से भी है अब देखो एसोसिएटिव मैपिंग एसोसिएटिव मैपिंग की बात की जाए ये सारे क्वेश्चन जो है आपके डीएसएसबी के एग्जाम में आए थे तो बस इनको फटाफट देख लेना और डायरेक्ट जो है बस वो यही पूछेगा कि क्या होती है बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपसे नहीं पूछेगा एसोसिएटिव मैपिंग की अगर बात की जाए तो दिस टाइप ऑफ मैपिंग द एसोसिएटिव मैमरी इज यूज टू स्टोर द कंटेंट एंड एड्रेस ऑफ द मेरी वर्ड ये क्या करता है कंटेंट uh, को स्टोर करवाने के लिए यूज किया जाता है एड्रेस ऑफ द मेमरी वर्ड एनी ब्लॉक कैन गो इन टू एनी लाइन ऑफ द कैश द मीन दैट द वर्ड आई डी बिट्स are used to identify which word in the block is needed but the tag become all the remaining bits this enable the placement of any word at any place in the cache memory is considered to be faster and most flexible mapping form okay? तो ये ज्यादा जो है सही है उसके बाद देखो सेट एसोसिएटिव मैपिंग ये अनहेंस है मतलब जो प्रॉब्लम आपकी एसोसिएटिव मैपिंग में थी उसको जो है इंप्रूवमेंट किया गया है द मैपिंग और एनहेंस फ्रॉ द डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम द ड्रॉ बैक्स ऑफ द डायरेक्ट जो जो डायरेक्ट मैपिंग में जो डिसएडवांटेज थी उसको रिमूव करके हमने सेट एसोसिएटिव में यूज किया सेट एसोसिएटिव एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ थ्रैशिंग इन द डायरेक्ट मैपिंग मैथड इट इज नॉट से इंस्टेट ऑफ हैविंग एग्जैक्टली वन लाइन दैट ब्लॉक कैन मैप टू द कैश ठीक है मतलब एग्जैक्टली जो है हम उसे मैच करवा रहे हैं अब देखो ये ये सेम है भाई आपका अब अप्लीकेशन क्या होंगी कैश मेमोरी मामले की यूजली द कैश मेमोरी कैन स्टोर अ रीजनेबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स एट एनी गिवन टाइम बट दिस नंबर आर स्मॉल कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द मेन मेमोरी ब्लॉक आर दो इन द कैश स्पेसिफाइड इन द मैपिंग

तो ये हाँ जो मेन मेमोरी से कुछ डेटा ऐसा तो है नहीं कि मेन मेमोरी का सारा डेटा आप कैश में डाल सकते हो नहीं डाल सकते क्योंकि भाई इसका साइज कम है इसका साइज ज्यादा है तो क्या करेंगे हम जो इसके अंदर डेटा डालेंगे वो हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बेस के अकॉर्डिंग डालेंगे क्यों क्योंकि हम ये चेक करेंगे कि नियर बाई डेटा कौन सा है लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से डेटा हम मेन मेमोरी से कैशे में डालते हैं ठीक है जीके? सबसे पहले देखो लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी ठीक है तो कंफ्यूज मत होना प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी और लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस में दोनों एक ही बात है द एबिलिटी ऑफ कैश मेमरी टू इम्प्रूव द कंप्यूटर परफॉर्मेंस जो एबिलिटी है कैश मेमरी की वो कती है इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस रिलीज द कंसेप्ट ऑफ लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस लोकैलिटी डिस्क्राइब वेरियस सिचुएशन दैट मेक अ सिस्टम मोर प्रोडिक्टेबल कैश मेमरी टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन टू क्रिएट अ पैटर्न ऑफ मेमरी एस एज दट इट कैन रिले अपॉन ठीक है

री का मतलब जो है मैंने एक बार जो चीज़ यूज़ की है मैं बार बार उसी को यूज़ करूँ मतलब सेम कंटेंट को यूज़ करूँ ठीक है तो सेम जो है अगर मेन uh, अगर सीपी ने एक बार एक चीज एक चीज़ को यूज़ किया तो हम हम सोचते हैं नेक्स्ट टाइम भी वही यूज़ करेगा तो हम वही चीज़ मेन मेमरी से उठा के कहाँ पर डाल लेंगे कैश मेमरी में ठीक है तो इसका एग्जाम्पल है लाइक लूप लूप चलाते हो आप ठीक है लूप चलाते हो लाइक फोर लूप आपने चलाया

उसके चांसेस है कि वो अपने आसपास वाले डेटा को असेस करे। दिस रेफर टू असेसिंग वेरियस डेटा रिसोर्सेज दैट आर नियर टू इच अदर जो उसके पास हैं, ठीक है ठीके? अब देखो एसोसिएटिव मामरी क्या होती है एसोसिएटिव मामरी के बाद आपका मेमोरी का वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा दैट इज पाइपलाइनिंग ठीक है एसोसिएटिव मैपिंग देखो

एक सेल मस्ट बी स्टोरेज कैपेबिलिटी हर एक सेल जो है लाइक ये जो है हर एक सेल ये जो सेल है हर एक सेल की क्या है स्टोरेज कैपेबिलिटी और हर एक में क्या है लॉजिकल लो, सर्किट मैचिंग कंटेंट है तो आप बार बार कंपेयर करोगे मैच करोगे कंपेयर करोगे मैच करोगे तो भाई कोस तो ज्यादा होगी टाइम भी ज्यादा लगेगा ठीक है तो इसकी डिसएडवांटेज हो गई अब मेमोरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो देख लो सबसे पहला है वॉट इज ट्रू अबाउट द मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट क्या होती है तो मेमोरी यूनिट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट और डिवाइस यूनिटिवा ठीक है मेमोरी यूनिट स्टोर द बाइनरी बाइनरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी दोनों ही सही है तो आंसर हो जाएगा सी इन हाउ मेनी कैटेगरी मेमोरी स्टोरेज इज क्लासिफाइड मेमोरी स्टोरेज को आप कितने में क्लासीफाइड करते दैट इज दो हैंटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल तो क्या आंसर आ जाएगा दो वेन पावर इज स्विच ऑफ पावर चली जाए ठीक है तो डेटा जो है वो आपका लॉस हो जाएगा तो आप उसको क्या होगा वॉलेटाइल मेमरी मेमरी टाइम इज जनरली वन थाउजेंड टाइम ऑफ द मेन मेमरी वन थाउजेंड टाइम ज्यादा होता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन

कैश जाना क्योंकि मामरी हिरार की याद रखो बार बार कहते हो रजिस्टर फिर कैश फिर मेन और फिर आपका सेकेंडरी होगा कैश ठीक है नेक्स्ट देखो द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की आफ्टर द एल टू कैशे एल टू कैशे के बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल होता है वो क्या होता है देखो भाई मैंने आपको बताया तीन लेवल होते हैं दैट इज एल थ्री ठीक है एल थ्री uh, आपका कहां होता है डायनामिक रैम के अंदर

फोन ट्रू सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी तभी जो है आप अगर किए हैं आपने अच्छे से तो सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन देखो टू ओवरकम द स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी मेमोरी वी मेक द फ्लैश ड्राइव इफ यू यूज द फ्लैश ड्राइव इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क देन द सेकेंडरी स्टोरेज कैन गो प्राइमरी मेमोरी इन द हायरार्की ठीक है ट्रू बताना है आपको इन द मेमोरी हायरार्की स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज द मेमोरी साइज आल्सो इंक्रीज स्पीड इंक्रीज होगी मेमोरी साइज इंक्रीज होगा नहीं भी मेमोरी साइज डिक्रीज होगा तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन जब आप ओवरकम करोगे स्लो ऑपरेटिंग स्पीड टॉपिक तो होता है खत्म अब हम बात कर लेते हैं हमारे पाइपलाइनिंग की पाइपलाइन पाइप, पाइप, पाइप क्या होता है पाइपलाइनिंग कहां यूज किया जाता है आर आई एस सी के अंदर आर आई एस सी फुल फॉर्म क्या होती है सभी बच्चे कमेंट करके बता देना ठीक है तो यहां पर आपका होमवर्क आ जाता है आर आई एस सी और फुल आईएससी सॉरी आरआईएससी और सीआईसी की आपको फुल फॉर्म बतानी है ठीक है इंट्रोडक्शन क्या होगा मतलब क्यों यूज कर रहे हैं पाइपलाइन को पाइपलाइन को यूज करते हैं मतलब मेन जो आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी यूज कर रहे हो तो आप सीपीयू के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए तो दो तरीके से सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है सबसे पहला है कि आप हार्डवेयर को जो है उसकी जो फास्टर सर्किट है उसको जो है इंप्रूव कर दो सेकेंड ऑप्शन है कि आप अरेंज करो हार्डवेयर को सच मोर वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम ठीक है तो भाई फर्स्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी सेकेंड ऑपरेशन हम यहां पर इंप्रूव करेंगे जो कि हम पाइपलाइनिंग के थ्रू करते हैं ठीक है तो पाइपलाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ द सीपीयू सच दैट ओवरऑल ऑफ परफॉर्मेंस इज इंक्रीज मतलब यहाँ पर क्या करवा रहे हैं प्रोसेस मतलब प्रोसेस uh, को मैनेज करवा रहे हैं अरेंज करवा रहे हैं जिससे आपका जो हार्डवेयर एलिमेंट है उस चीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है साइमटेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन पाइपलाइनिंग प्रोसेसर लेट अस सी रियल लाइफ एग्जांपल वर्क द कांसेप्ट ऑफ पाइपलाइन ऑपरेशन कंसडर पैकेजिंग ऑफ बोटल प्लांट मतलब आप क्या करवा रहे हो जो बोतल होती है जो पानी की बोतल जो होती है आपको मार्केट में मिल जाती है ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज की भी कहीं मिल जाती है तो उनको उनकी पैकेजिंग की बात हो रही है तो तीन तीन स्टेज स्टेज में पैकेट की जो है बोतल जो है तीन स्टेज में बोटल जो है वो पूरी फिल हो जाती है पहले स्टेज पहले स्टेज में हम बोटल को क्या करते हैं ये जो है आपकी बोटल है ठीक है इस तरीके से इस बोटल को जो है पहले स्टेज में मैंने क्या किया तो फिल कर दिया पानी से फिलिंग द वॉटर ठीक है मैंने जो है पहले में उसको पानी से फिल कर दिया सेकंड वाले में जो है सॉरी पहले में कर तो फिल करेंगे थर्ड कर में बोतल को सील पैक कर दिया जब आप बोतल को खोलते तो वो सील पैक होती है ना ऐसा तो नहीं कि आपने खोला और आपको खुल गई ऊपर से जो है व्हाइट व्हाइट कलर की जो है पन्नी उसके ऊपर चिपकी रहती है ठीक है सील होती है उसके ऊपर तो तीन स्टेप है अब देखो अब तीन बंदे काम कर रहे हैं अब ये ये तीन तीन स्टेप हैं सबसे पहले बोतल को इंसर्ट किया फिर जो है फिल किया और फिर आपकी जो है सील किया किया तो पहले बंदे ने काम किया, फिर दूसरे ने किया फिर तीसरे ने किया अगर अगर देखो ये ये काम हुआ फिर दूसरे के पास जाएगा तो ये वाला बंदा तो खाली पड़ेगा ना ये वाला बंदा खाली पड़ गया तो हम दूसरी बोतल को इंसर्ट कर सकते हैं कर सकते हैं, नहीं कर सकते है? या फिर पहले बंदे ने काम किया फिर दूसरे ने किया फिर तीसरे ने किया जब तीसरे एक बोतल को कर देगा तो फिर जो नेक्स्ट जो ये पहले वाला बंदा है फिर वो दूसरी बोटल खोलेगा इस मुद्द क्या होगा आपका पहले ये भी खाली ये भी खाली हम क्या करेंगे इस टाइम पे ये वाला बंदा जब बोतल को इंसर्ट करवा रहा है तो ये दो खाली पड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे ही ये ये वाली जो बोतल है वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगी जैसे फिल करने जाएगी तो ये क्या करेगा ये वाला जो है नेक्स्ट बोतल को इंसर्ट करवा लेगा जैसे ही नेक्स्ट बोतल इंसर्ट होगी तो फिर क्या होगा ये इसका काम खत्म हो जाएगा ये भेज देगा उसको सील करने फिर ये इसको भेज देगा ठीक है जब तक ये सील करेगा ये जो है बोटल को पानी किसे से भर देगा फिर जो एक एक बोटल आपकी भर गई फिर नेक्स्ट भर जाएगी तो इस तरीके से जो है हम पाइपलाइनिंग यूज करते हैं मतलब जैसे एक का काम खत्म हुआ दूसरा दूसरा काम शुरू कर देगा और वो जो है स्टेप स्टेप बाई करते रहेगा ठीक है और नॉन पाइपलाइनिंग आपका कहता है कि भाई नॉन पाइपलाइनिंग कहेगा आपका कि पहले ये काम करेगा फिर ये करेगा फिर ये करेगा जब आपकी पूरी बोटल एक खत्म हो जाएगी मतलब यहाँ से जब ये आपका पूरा जो एक बोटल जो है वो यहाँ पर आ गई है ठीक है बोटल आपकी यहाँ पर आ गई है जब बोटल यहाँ पर आ गई है तो उसके बाद जब नेक्स्ट बोटल मतलब जब तीनों साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही हम नेक्स्ट काम लेंगे तो ये होता है आपका नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइनिंग कहता है जैसे ही इसने अपना एक टास्क मतलब अपना एक जो स्टेप है वो कंप्लीट किया तो अपना जो है वो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है अपना काम करना शुरू कर देगा अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको देखो ये है आपका नॉन पाइपलाइनिंग पहले में जो है उसने इंसर्ट करवाया फिल किया और सील करवा दिया ठीक है जब तीनों काम कंप्लीट हो जाएंगे देन जो है वाली बोतल को इंसर्ट करेंगे 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 फिर सील करेंगे। फिर फिर फिल सील देखो फिर जैसे ये ये वाला काम दूसरी वाली बोतल कंप्लीट होगी फिर हम तीसरी वाली बोतल को इंसर्ट करेंगे फिल करेंगे सील करेंगे इसमें जो आपको टोटल टाइम कितना लगा भाई विदाउट पाइपलाइनिंग अगर मैं बात करूं तो हर एक को भरने में तीन तीन मिनट लग रहे हैं तो जो है तीन बोटलों को भरने में कितना टाइम लगेगा नौ मिनट लगेगी मतलब तीन बोटल को भरने में एक बोटल को भरने में तीन मिनट लगे तो तीन बोटलों को कितने लगेगा नाइन मिनट ठीक है अगर इसी को मैं पाइपलाइनिंग से करूं पहले मैंने इंसर्ट किया फिल किया फिर मैंने सील करवा दिया नेक्स्ट स्टेप में देखो इस टाइम पे ये जो है आपका खाली ये यहाँ पर चला गया ठीक है फिर जो है नेक्स्ट वाला क्या करेगा इंसर्ट करेगा फिर फिल करेगा फिर स्टैक करेगा फिर इंसर्ट फिर फिल फिर स्टैक इस तरीके से देखो पहली बोटल यहां पर कंप्लीट हो गई दूसरी बोटल यहां पर कंप्लीट हो गई तीसरी बोटल आपकी यहां पर कंप्लीट हो गई तो तीन बोटल कंप्लीट हो गई कितनी देर में पांच मिनट में यहां पर तीन बोटलों को लगा नाइन मिनट यहाँ पर लगा पांच एक तरीके से आधा टाइम आपका हो गया है हाफ टाइम ठीक है तो एग्जीक्यूशन दो तरीके से करवा सकते हैं नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइनिंग तो नॉन पाइपलाइनिंग समझ में आया

एन यहां पर जो है कितना एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा है वो और टी जो है यहां पर इंस्ट्रक्शन है टोटल क्या हो जाएगा एन टाइम और कितना इंस्ट्रक्शन है जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो एन इंटू टी जो है इसका formula हो जाएगा और पाइपलाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो पाइपलाइनिंग का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा पाइपलाइनिंग को जैसे यहाँ पर देखो ये पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर, फिर ये फिर ये ये नंबर ऑफ स्टेजेस हैं यहाँ आपकी क्लॉक साइकिल है तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो कितना हो जाएगा ये देखो भाई तो नॉन बाई प्लानिंग की अगर बात की जाए तो टोटल टाइम देखो दे थ्री इंटू टी मतलब n इंटू टी ये फॉर्मूला था आपका n कितना है थ्री इंटू फोर तो बारह जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ठीक है अगर मैं यही उससे बात करूं नॉन पाइप प्लानिंग से सॉरी पाइप प्लानिंग के साथ देखो इपलाइनिंग की स्टेजेस पांच स्टेज होती है भाई आपकी पाइप लाइनिंग की सबसे पहले होती है इंस्ट्रक्शन फैच आपने इंस्ट्रक्शन को फैच किया ठीक है तो द स्टेज ऑफ सीप्यूर रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एड्रेस इन द मेमोरी हुज वैल्यू इज प्रेजेंट इन द प्रोग्राम काउंटर सेकंड में जो है आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड एंड द रजिस्टर फाइल इज अस टू द गेट द वैल्यू फ्रॉम द रजिस्टर यूज इन द इंस्ट्रक्शन फिर आपका आपने इंस्ट्रक्शन को क्या किया एग्जीक्यूट करवाया ठीक है फिर आपका मेमरी असेस ठीक है फिर आप क्या करवा रहे हो मेमरी को अस करवा रहे हो और लास्ट हो जाएगा आपने राइट बैक किया तो ये पांच स्टेजेस पांच स्टेजेस होती है नाम याद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट रिटलाइन और राइट बैक परफॉर्मेंस की बात की जाए पाइपलाइनिंग की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो के जो है वो आपके सेगमेंट पाइपलाइनिंग विद क्लॉक साइकिल टी तो यहां पर जो है आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा के प्लस एन माइनस वन साइकिल तो ये जो है आपका फॉर्मूला यहां पर लगेगा ठीक है और एन इंटू के या फिर एन इन टी आप यहां पर लगा सकते हो ठीक है तो ये जो है दोनों के फॉर्मुले अगर एग्जाम में क्वेश्चन निकालना आ जाए तो आप इन दोनों फॉर्मुले से यूज करके निकाल सकते हैं के जो जो है है वो साइकिल हो जाएंगी अब यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन फॉर्मूला जैसे यहाँ पर देखो टोटल जो है वो आपके पास कितनी साइकिल है पांच पांच स्टेजेस हैं ठीक है थेके? और प्रोसेस कितनी है स्टेजेस कितनी है चार और प्रोसेस कितनी है पांच ठीक है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर इंटू फोर प्लस के माइनस दैट इज फोर तो कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ पर ठीक है तो इंस्ट्रक्शन कितनी है यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन है भाई ठीक है एक सेकेंड स्टेजेस कितनी है स्टेजेस कितनी कितनी है है चार इंस्ट्रक्शन दो दो इंस्ट्रक्शन आई वन और आई टू तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन यही था तो फोर प्लस एन माइनस वन दैट इज टू माइनस वन तो क्या हो जाएगा फोर प्लस वन दैट इज फाइव तो कितना टाइम लगेगा पांच साइकिल लगेंगे ना और यही अगर पाइपलाइन विदाउट पाइपलाइनिंग की अगर बात करें तो कितना लगेगा पहले I1 वन एग्जीक्यूट होगी चार स्टेज तक फिर I2 टू एक्जीक्यूटिव होगी तो n इन टू के तो क्या हो जाएगा चार इन टू स्टेज कितनी है इंस्ट्रक्शन कितनी है दो तो एट हो जाएगा एट साइकिल ठीक है तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके इनको निकाल सकते हो अब देखो नेक्स्ट स्पीडअप स्पीडअप का क्या फॉर्मूला होगा अगर आपको स्पीडअप निकालनी है तो नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम अपॉन में पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम तो आपका स्पीडअप आ जाएगा एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो एफिशिएंसी स्पीड अप अपॉन में नंबर ऑफ स्टेजेस इन पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं पाइपलाइनिंग के अंदर फिर है अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है सेकंड फार्मूला नंबर ऑफ बॉक्सेस यूटिलाइज इन फेस टाइम डायग्राम नंबर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन फेस टाइम डायग्राम ठीक है अगर मुझे इसी की थ्रोपुट निकालनी है थ्रोपुट में थ्रोपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हुई है अपॉन में टोटल टाइम टेकन ठीक है कितना टाइम लगा है अब देखो टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग जो पाइपलाइनिंग की टाइप है दो तरीके की आपकी पाइपलाइनिंग होती है एक होती है आपकी और एक होती है आपकी इंस्ट्रक्शन ठीक है तो दोनों ही देख लो पाइपलाइनिंग इज आर मोस्ट मोस्टली यूज इन हाई स्पीड कंप्यूटर हाई स्पीड कंप्यूटर में यूज करते हैं दे आर यूज इन इंप्लीमेंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन अगर क्वेश्चन आ जाए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो है वो आप कहाँ पर जो है परफॉर्म करते हैं अर्थमैटिक में इंस्ट्रक्शन में या अगर जो आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑप्शन दे देगा मल्टीप्लीकेशन फिक्स पॉइंट नंबर कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम तो क्वेश्चन आ जाए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है अर्थमैटिक के अंदर टू अंडरस्टैंड द ऑफ पाइपलाइनिंग इन मोर कन्वीनियंट वे ठीक है लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ पाइपलाइनिंग यूनिट यहाँ पर देखो uh, यहाँ पर देखो आपने क्या लिया एक्सीजल टू टू ए इन टू की पावर a तो so, यहाँ पर इनपुट है आपके पास और फ्लोटिंग पॉइंट एडर पाइपलाइनिंग आर टू नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर ठीक है तो यहां पर ए और बी क्या है दो फ्रैक्शन है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेंटिसा ए और बी और एक्सपोनेंट को ठीक है तो यहां पर देखो सबसे पहले आपने क्या किया कंपेयर किया एक्सपोनेंट एक्सपोनेट्रेक्शन फिर आपने अलाइन करवाया मेंटिसा को फिर आपने एड और सब करवाया फिर आपने रिजल्ट को नॉर्मलाइज करवा दिया अब मैं बात इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग कहां पर यूज की जाती है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग So, है कॉल्ड इंस्ट्रक्शन लेवल इंप्लीमेंटेड को इंप्लीमेंट किया जाता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक्जीक्यूट मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ एक्जीक्यूट किया जाता है मोर देन होती है और यूज की जाती है इंक्रीज द थ्रोपुट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्वेश्चन आ जाए इंक्रीज द थ्रोपुट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कौन यूज करेगा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग ठीक है ये देखो भाई अब एडवांटेज क्या होंगे पाइप के एडवांटेज है थ्रोपुट को इंक्रीज करवा रहा है इंस्ट्रक्शन में देखा थ्रोपुट इंक्रीज हो रही है इंक्रीज द नंबर ऑफ पाइप स्टेजेस इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड एक्जीक्यूटिव फास्ट वे एल यू है एट हायर क्लॉक फ्रिक्वेंसीजन रैम पाइपलाइन इंक्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपी डिसएडवांटेज क्या होंगे द पाइप लाइनिंग जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा डिजाइन उसका इंस्ट्रक्शन लेटेंसी इंक्रीज इन पाइपलाइन प्रोसेसर द द्रोपुट of pipeline process is difficult to predict the longer pipeline the worse is a problem of hazard for a branch instruction okay a pipelining hazard kya hote hain teen tarike ke hazard hote hain to pipelining hazard are the situation the prevent the next instruction in the instruction stream from executing during the design clock cycle मतलब जब आप design करवाते हो तो जो है आपके कुछ hazard आ जाते हैं कुछ आ जाते है, so, problem आ जाती हैं ठीक है ठीके? तो तीन तरीके की प्रॉब्लम होती है एनी कंडीशन दैट कोज एंड य स्ट्रोल इन पाइपलाइनिंग ऑपरेशन कैन बी कॉल्ड ए हजार्ड ठीक है तो तीन तरीके के होते हैं सबसे पहले होता है डेटा हजार्ड फिर आपका कंट्रोल या इंस्ट्रक्शन हजार्ड फिर होता है आपका स्ट्रक्चर हजार्ड ठीक है अब डेटा हजार्ड क्या होता है वो देखो डेटा हजार्ड मतलब जो डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है लाइक जो है आपने अपने दो इंस्ट्रक्शन ली ए और बी आपने ए में किया 3 प्लस ए बी में किया आपने इनटू 4 जब तक आपको ए, जब तक आपकी पहले वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक आप सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जब तक आपको ए की वैल्यू नहीं पता चलेगा तब तक आप बी वाली इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो नहीं कर सकते तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप डेटा हजार कहते हो समझ में आया तो डेटा इन एनी एनी कंडीशन द सोर्स ऑपरेशन आर नॉट अवेलेबल एट टाइम ठीक है तो ये हो जाएगा आपका बस इतना ही समझ लो उसके बाद देखो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है द सिचुएशन इज मेनली टू इंस्ट्रक्शन गिवन हार्डवेयर मतलब दो इंस्ट्रक्शन जो है आपने हार्डवेयर को दे दी ठीक है सेम टाइम पे जो है वो दोनों ही रिसोर्सेज की डिमांड करने लग गई तो आप सेम टाइम पे कौन सी को डेटा दोगे कौन सी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे कौन सी को नहीं करोगे तो ये वाली जो प्रॉब्लम आती है आपकी स्ट्रक्चर हेजार्ड वाली प्रॉब्लम आती है ठीक है अब देखो नेक्स्ट कंट्रोल हेजार्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ द दीपी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन यूनिट

इसके बाद देखो वैक्टर एरे प्रोसेसर और इट्स टाइप तो एरे प्रोसेसर को ही आप जो है मल्टीपल uh, प्रोसेसर या वेक्टर प्रोसेसर कहते हो दे कंप्यूटेशन ऑन लार्ज एरे ऑफ डेटा तो टाइप्स ऑफ एरे दो तरीकेसर अटैच आर प्रोसेसर क्या कहते हैं जनरल कंप्यूटर से अटैच होते हैं एंड इट इज ए पर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर टू कंप्यूटेशन टास्क पर देखो ये आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर है ये आपका इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन ये जो है आपका अटैच एरे हो गया ये आपका लोकल मेमोरी ये आपकी मेन मेमोरी और ये आपकी हाई स्पीड ये आपका मेमोरी बस हो गई ठीक है इस तरीके से डेटा जो है आपका ट्रांसफर हो रहा है सेकेंड आपका एस आई एमडी एरे प्रोसेसर एस आई एमडी एरे प्रोसेसर जो होता है वो सिंगल कंप्यूटर कंटेनिंग मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग इन पैरेलल द प्रोसेसिंग यूनिट आर मेड टू ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉमन कंट्रोल यूनिट थर्स प्रोवाइडिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम ठीक है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम तो वाई यूज एरे को हम यूज क्यों करते हैं क्वेश्चन आ जाए क्यों यूज किया जाता है ठीक है तो एरे प्रोसेसर इंक्रीज ओवरऑल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड है उसको क्या कर देती है इंक्रीज कर देती है एट द मोस्ट ऑफ द एरे प्रोसेसर ऑपरेट ऑपरेट करते हैं सीपीयू के इंक्रीज कर देते, देते हैं एरे प्रोसेसर हैज इट्स लोकल मेमोरी मतलब इसकी खुद की लोकल मेमोरी होती है अब क्वेश्चन देखो भाई सबसे पहला है डैश स्पीड अप ऑप्टीमाइज कंपाइलर या तो आंसर हो जाएगा ऑप्टीमाइज कंपाइलर ठीक है नेक्स्ट देखो पाइपलाइनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कोल्ड जो पाइपलाइनिंग प्रोसेस है उसको आप क्या कहोगे सुपर क्लास असेंबली लाइन ऑपरेशन नॉन न्यू मॉन साइकिल नन ऑफ तो आपका आंसर हो जाएगा असेंबली लाइन ऑपरेशन भी जो है इसको कहा जाता है ये याद रख लेना पाइपलाइन प्रोसेस का जो दूसरा नाम होता है असेंबली लाइन ऑपरेशन भी होता है थर्ड क्वेश्चन देखो द फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल आर विद द हेल्प ऑफ जो और एग्जीक्यूट करवाते हैं मॉडिफाइड इन द प्रोसेसर जो है क्लॉक स्पेशल इंट कंट्रोल किसके हेल्प से करवाएंगे क्लॉक की हेल्प से नेक्स्ट देखो इट्स स्टेज इन पाइपलाइनिंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन दैट साइकिल कौन सी साइकिल में जो है कंप्लीट हो जाएगी वन टू थ्री फोर

रिसोर्स की डिमांड कर रही है तो वहां पे आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हैजार्ड हो जाएगा द दिचुएशन वे डेटा ऑपरेट आर नॉट अवेलेबल डेटा ऑपरेट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको क्या कहोगे डेटा हजार नेक्स्ट देखो हाउ मेनी यू पाइपलाइनिंग एग्जिस्ट कितनी पाइपलाइनिंग आपके एग्जिट होती हैं दो तरीके की एक होती है आपकी अर्थमेटिक सेकंड होती है आपकी इंस्ट्रक्शन दैट इज ए ऑप्शन सही होगा अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग क्यों यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइपलाइन कॉन्फ्लिक्ट कौन सा जो है आपका पाइपलाइन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है

लास्ट uh, तो, in, uh, uh, क्वेश्चन है अभी हमारा ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज एडवांटेज क्या होगी इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन थ्रोपुट्री थ्रोपुट को इंक्रीज करता है फास्टर एलयू यू डिजाइन बाई द पाइपलाइन इज यूज्ड पाइपलाइन इंक्रीज दल परफॉर्मेंस ऑफ द सी प्य यू को इंक्रीज करवाता है और आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तीनों ही सही है आंसर होगा डी ऑप्शन ठीक है इसी के साथ आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मतलब एक तरीके से सी की हमने पूरे की पूरी जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन की हमने पूरे की पूरी रिविजन कर ली है देखो भाई मेन मेन जो पॉइंट थे जहां जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको सारे जो है रिवाइज करवा दी है अगर आप इस वीडियो को दो तीन बार भी देख लोगे तो आप जो है एग्जाम में अच्छे खास मार्क्स जो है वो ले सकते हो टेंट डे जो मैराथन वाला है जो कोर्स है वो आप अच्छे से कर लोगे तो भी आप मान सकते हो कि आप जो है अपने अपनी सब्जेक्ट में अच्छा खासा जो है सिक्योर कर सकते हो ठीक है क्लास लगी अच्छी लगी हो तो बार बार कहती हूँ भी एक लाइक कर दिया करो लाइक बिल्कुल नहीं करते पता नहीं लाइक करने में क्या प्रॉब्लम होती है जितने मैंने आपसे जो है क्वेश्चन पूछे हैं जितना मैंने आपको होमवर्क दिया है उम्मीद है सारे बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे कि किसका क्या आंसर था ठीक है और अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो तो फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ ऐसी नई वीडियो के साथ तब तो तक के लिए बाय एंड थैंक यू